الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات. اچھا جی، میں نے کہا تھا ہم شروع 10 منٹ جو ہے وہ اصول تفسیر پڑھیں گے، صحیح ہے جی؟ تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے طرق تفسیر، تفسیر کرنے کے طریقے. لکھ لیں اپنے پاس کوئی رجسٹر یا جو قرآن آپ لوگ کا ہے اس میں ایک خالی پیج بنا لیں، اس میں یہ اصول تفسیر الگ سے لکھیں. تفسیر کرنے کے اسالیب، ویز آف ڈوئنگ تفسیر، کس کس طرح تفسیر کی جاتی ہے. نمبر ون، یہ اصل میں یہ 6 ٹوٹل طرق تفسیر ہیں، ان میں مشہور 4 ہیں. بہرحال میں آپ کو 6 ہی بتا دوں گا انشاءاللہ، جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں. نمبر ون، تفسیر القرآنی بالقرآنی، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے، ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھایا جائے. نمبر ٹو، تفسیر القرآنی بأقوال الصحابتی، سوری، تفسیر القرآنی بالحدیث، احادیث. نمبر ٹو، ترتیب بھی یہی ہے، تفسیر القرآنی بالاحادیث، قرآن کی تفسیر احادیث سے کرنا. نمبر تھری، تفسیر القرآن بأقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کرنا. نمبر فور، تفسیر القرآن بأقوال التابعین، قرآن کی تفسیر کرنا تابعین کے اقوال سے. تابعی کون ہوتا ہے؟ مائک ہے پیچھے؟ مائک میں ہے، بولے مائک میں. زاہد بھائی ذرا بلائیں کہ جی مائک کا والیوم کھولے ہیں اسے. پیچھے کا مائک نہیں چل رہا. جی بول کے دیکھیے. جنہوں نے جی جی جو وہ اشخاص جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کو دیکھا ہو یا ان سے ملے ہو وہ تابعین کہلاتے ہیں. جی ہے کہ وہ جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ہو اور ان کی اتباع کی ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف صحابہ کو دیکھا ہو بلکہ ان کی اتباع بھی کی ہو اچھے طریقے سے، ورنہ خوارج بھی تابعین تھے، جہمی بھی تابعین تھے.
लेकिन उनका शुमार हम ताबाई में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिसने जो राह रास्त से हट गया उसको हम ताबी में शुमार नहीं करेंगे, ताबाई इत्तिबा से। अल्लज़ीन तबाउहुम बिहसान, आ जाए वो जिन्होंने इत्तिबा की एहसान के साथ, उनको ताबी कहते हैं। सही। तो तफसीर, सबसे पहले तफसीर उल कुरान किससे की जाएगी? कुरान से। नंबर टू, तफसीर किससे की जाएगी? हदीस से। नंबर थ्री, अख्वाल सहाबा। नंबर फोर, ताबईन से। ये चार मशहूर हैं। पांचवें नंबर पे आता है तफसीर उल कुरानी बिल्लुगती, कुरान की तफसीर करना लुगत से। अरबी से, अरबी में इस लफ्ज का ये माना है, इसलिए इस कुरान की ये तफसीर है। यहाँ गौर कीजिए कि ये जो तफसीर का दर्जा है ये किस नंबर पे आया? पांच पे। तो पांचवें नंबर पे जाके ये चीज आती है। यानी कोई शख्स अगर कहे जी मैं अरबी जानता हूँ, अरबिक में मैंने मास्टर्स पीएचडी कर लिया, मैं कुरान समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ तर्जुमा पढ़ के आप कुरान को नहीं समझ सकते जब तक कि आप कोई ना कोई तफसीर ना उठा ले, तफसीर ना पकड़ ले। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं कि आप तर्जुमा पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपने उसकी तफसीर सीखनी है तो सिर्फ तर्जुमे से नहीं होगी। अगर आपने कुरान की तफसीर सीखनी है तो सिर्फ तर्जुमे से नहीं होगी, आपको कुरान की तफसीर की कोई किताब देखनी होगी जिसमें किसी आलिम ने उस कुरान की तफसीर की होगी कि ये तफसीर कुरान की ये आयत इस कुरान की आयत की इस तरह से तफसीर करती है, या ये हदीस है, या ये सहाबी का अख्वाल है, या ये ताबईन के अख्वाल है। तो नंबर पांच पे तरतीब में आती है लुगत। आज बहुत से आप दुआत को देखेंगे, दाई दीन के मुबल्लिगीन को देखेंगे कि जो तफसीर कुरान करते हैं लुगत से, कुरान के जो लुगवी एजाज है या कुरान के जो कह लीजिए मानी और बलागत के अतबार से, कुरान के जो मिरेकल्स हैं, कुरान की लैंग्वेज में जो कुरान के मिरेकल्स हैं उसको बयान करते हैं। ये अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान एक मौजा है और कुरान की हर आयत में कई गहराई छुपी हुई है, लेकिन कुरान की अगर आप तफसीर करने जा रहे हैं तो तफसीर का मनहज ये है, कुरान की तफसीर का तरीका यह है कि कुरान की तफसीर को सबसे पहले कुरान की तफसीर कुरान से की जाए, फिर हदीस से, फिर सहाबा के अख्वाल से, फिर ताबईन से की जाए, फिर लुगत का दर्जा आता है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? और इसी तरीके से हमारे असलाफ ने भी तफसीर की है, इसी तरीके से हमारे असलाफ ने तफसीर की है। इमाम बुखारी की आप हदीस की किताब देखें, उसमें भी तफसीर इसी तरह ही हुई है। इमाम बुखारी की जो कई कुतुब है सही बुखारी में, ऐसे ना कुतुब तहारा, कुतुब सलात, किताब तहारा, किताब सलात, इसी में किताब तफसीर, तो उन्होंने जो तफसीर की उसका भी तर्ज यही है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के जाने के 200 साल बाद जो तफसीर का तर्ज हमें मिलता है सही बुखारी से, उसका तर्ज ये है कि आयत आई तो फिर हदीस आई, और फिर आयत आई तो हदीस आई। खुद भी वो आयतें लाते हैं उस हदीस की तफसीर करने के लिए। और इसी तर्ज पे जो तफसीर की जाती है उसको हम सलफी तफसीर कहते हैं। हाँ, कि ये हमारे असलाफ की या सलफी मनहज पे ये तफसीर की गई है। छठा दर्जा आता है कि तफसीर उल कुरानी बिर्राय वल इज्तिहाद, कुरान की तफसीर करना अपनी राय और इज्तिहाद से। कि जी मेरी राय में इस आयत का मतलब ये है, अगर जहां पर कोई कुरान की आयत या हदीस या कोई अख्वाल ताबीन ना हो तो वहां पे अपनी राय से की जाएगी। अच्छा, ये जो तफसीर आई, पहले इसकी तफसीर आगे भी आएगी कि हमने अपनी राय इज्तिहाद से नहीं करनी, ये सहाबा ने भी कर दी है, ताबईन ने कर दी। कुरान की अब तफसीर नहीं हो सकती, ये बात याद रखिए। कुरान की तफसीर का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तफसीर हो चुकी है। अब जो भी तफसीर करेगा वो तफसीर नहीं करेगा, वो तफसीर बयान करेगा। मैं भी जो आपको बताऊंगा, जो उलमा ने तफसीर की है, जो किताबों में मौजूद है, जो अहादीस में हुई है, सहाबा ने की, ताबईन के अख्वाल से हुई, वो मैं आपको बयान करूंगा।
लेकिन इसकी एप्लीकेशन कयामत की सुबह तक हो सकती है कि इस आयत से ये भी मतलब निकल सकता है, इस आयत का ये भी माना निकल सकता है, ये आयत यहाँ भी अप्लाई होती है, इसका काम कयामत तक हो सकता है, इसका दरवाजा बंद नहीं होता। और यही कुरान की एक कह रहे हैं कि कुरान का मिरेकल है, कुरान की खासियत ही यही है कि दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसमें जिस जो हर लेवल के बंदे को एड्रेस करती हो। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बहुत पीएचडी लेवल का ही क्यों ना हो, उसको भी कुरान फायदा देता है। जो बंदा आम सतही लेवल का हो, मैट्रिक इंटर भी ना किया हो, सिर्फ तर्जुमा पढ़े, उसको भी कुरान फायदा देता है, उसके भी समझने के लिए इसके अंदर पहलू है। एक आयत एक आलिम दीन को भी कोई ना कोई फायदा देती है और एक आम से बंदे को भी कोई ना कोई फायदा देती है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजा है। इसलिए जब इंसान पढ़ता है तो हर दफा जब इंसान कुरान पढ़ रहा होता है थोड़ा सा उसमें तदब्बुर और तफक्कुर करता है, सोच विचार करता है, तो उसको मजा उसको नजर आता है कि यार ये आयत तो मुझ पर अप्लाई हो रही है, ये तो मेरी जिंदगी के लिए आई है, ये तो आज ये हो रहा है, उसके जहन में कोई ना कोई बात आती है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो ये चीज कुरान की एप्लीकेशन जो है ना, ये आज भी हो सकती है। तो ये छह तरह के तफसीर है जो कुरान के किए जाते हैं कि कुरान की तफसीर कुरान से किस तरह की जाए। बात क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल? ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ताबईन ने इत्तेबा की और किसने नहीं की? ये हमें तारीख की किताबों से भी मिलेगा, हदीस की किताबों से भी मिलता है, और सबसे ज्यादा हमें अस्मा और रिजाल की किताबों से मिलता है कि उलमा ने न सिर्फ अहादीस को महफूज किया है बल्कि अहादीस को जो नकल करने वाले हैं, जो अहादीस के रुवात हैं, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी बायोग्राफी को भी महफूज किया है। कई उलमा ने इस पे किताब लिखी है, इमाम बुखारी की खुद इस पे एक बहुत बड़ी किताब है रुवात के एतबार से, और कई उलमा ने इस पे लिखी है, इब्ने हजर ने भी लिखी है, इमाम ज़हबी ने भी लिखी है, सही। और ये पूरी साइंस है अस्मा और रिजाल के हवाले से या जरा तादील के एतबार से, एक पूरा फन है हदीस के उलूम में से एक इल्म, इल्म उल जरह व तादील है, जरा और तादील का इल्म। जरा क्या होती है? कि किसी को फेल करना, किसी पे कोई ऐब निकाल देना, ये जरा होती है। तादील क्या होती है? कि किसी को पास कर देना, कि किसी की अदालत और किसी की कह लीजिए कि उसकी सिदक सच्चाई ईमान को साबित करना, ये तादील है। तो सहाबा पे ये जरा तादील नहीं होती क्योंकि सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, सहाबा पे टेस्ट नहीं होता, बल्कि सहाबा के बाद जो नस्ल है या सहाबा के बाद जो सहाबा के शागिर्द हैं ताबईन, उन पे चेक होता है। तो एक पूरी साइंस है इंशाल्लाह। उसूल हदीस में थोड़ा उसूल हदीस पढ़ेंगे फिर उसके बाद पता चलेगा कि हदीस के सही होने की पांच शराइत हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि रावी आदिल होना चाहिए, रावी सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, रावी बिदती नहीं होना चाहिए, अगर है बिदती तो बिदतियों को सरदार नहीं होना चाहिए, रावी हदीस रसूल में झूठ ना बोलता हो, आम हालात में झूठ ना बोले, रावी धोखेबाज नहीं होना चाहिए, रावी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए, रावी सगीरा गुनाह पे इसरार करने वाला नहीं होना चाहिए। ये उसूल हदीस में किसी हदीस के सही होने की पांच शराइत में से एक शर्त है। सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि रावी झूठा नहीं है या झूठा है या बिदती नहीं है? इसके अहवाल पढ़ के। तो उलमा ने न सिर्फ अहदीस को महफूज किया है बल्कि उसके साथ साथ हदीस के रवात और तारीख में उलमा जो गुजरे हैं उनकी हालात जिंदगी महफूज किए, कि उन्होंने किससे पढ़ा, किस जमाने में किधर जाके सफर किया और किस आलिम से, किस शेख से पढ़ा, ये भी महफूज है। तो ये भी हमें इससे पता चलता है कि ताबई कौन था, उसका अकीदा क्या था, उसका मनहज क्या था, उसकी अगर तो वो ताबी है ठीक, तो हम ताबईन को जैसे सहाबा हैं, सहाबा सबको आदिल कहते हैं, इसी तरह ताबईन को भी अक्सर हम उनकी ईमान और उनके अमल और उसमें उसमें जरा नहीं करते, यानी उसमें ऐब नहीं निकालते, बल्कि बाज़ों का तो उनके हाफजे में कभी कभार मसला आ जाता है, इसलिए उनमें मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये एक पूरी साइंस है, इसमें आपको पता चलेगा। आपकी बात इब्ने तैमिया के ऑपोजिट जा रही है, किस बात के ऑपोजिट जा रही है जी, जरा बता दें। बहरहाल ठीक है जी, तो आज ही हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। ये मजीद अब इसकी थोड़ी डिटेल हम इंशाल्लाह अगली क्लास यानी कल पढ़ेंगे।
कि ये इसकी एक एक मिसाल भी आपको दे देंगे और फिर हम आगे चलेंगे। हमने कल आयत पढ़ी थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलान नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। तर्जुमा कौन करेगा इसको? जी कुरान ले आए, बिल्कुल ले आइए जी। हाँ अभी नहीं, एक दो हफ्ते बाद। उसकी वजह ये है कि अभी वो कोर्स डिजाइन होगा, वेबसाइट पे अपलोड होगा, पोस्टर बनेगा, शेयर होगा, मार्केट होगा, रजिस्ट्रेशन आएंगी, लोग आएंगे, ये एक दो हफ्ते तो लगेंगे कम से कम। सर मैं करूँ तर्जुमा? जी आप तर्जुमा करेंगे? जी बिल्कुल कीजिए। तर्जुमा वाला कुरान तो नहीं है सामने आपके? जी है। है जी? नहीं फिर नहीं। बगैर अच्छा तर्जुमा वाला कुरान क्यों है आप लोग के सामने? बगैर देखे कर दूं? बगैर देखे कर लूंगी। चलिए बगैर देखे करें, फिर मैं सवाल करूंगा उसका जवाब भी देना होगा। ठीक है करें। अलिफ लाम रा क्या है ये? हुर्फ मुकत्तात है। हुर्फ मुकत्तात क्या माना इनका? इनके मायने नहीं पता किसी को, नहीं पता, अल्लाह जानता है इनके माने। आगे चलें। किताबुन किताबुन किताब अंजलनाहु नाजिल किया इसको इलैका ए नबी आपकी तरफ लितुख्रिजा ताकि निकालें आप अन्नासा लोगों को मिनज़ ज़ुलुमाती अंधेरों से इला तरफ नूरी नूर की भी इज़्नी हुकुम रब्बिहिम अपने रब के हुकुम से इला तरफ सिराती रास्ता अल अज़ीज़ हमीद जबरदस्त बुजुर्गी वाले की। अजीज गालिब सॉरी। हाँ अजीज गालिब से निकला है। आगे अल्लाह लजी अल्लाह वो जात है लहू उसके लिए अजीज गालिब और हमीद हमीद तारीफ किया गया बहुत ज्यादा बेहद तारीफ वाला है। अल्लाह लजी अल्लाह लजी अल्लाह वो जात है लहू उसके लिए माँ जो फी सहस असमावती आसमानों में वमा और जो फिल अर्जी जमीन में है वैल और वैल है लिल काफिरीना काफिरों के लिए। वैल का मतलब क्या होता है? हलाकत है। हलाकत है। मिन से अजाब इन शदीद अजाब सख्त अजाब की तरफ। हाँ जी जी वैल से मुराद क्या है? तबाही और बर्बादी है। काफिरों के लिए दुनिया में भी तबाही है बर्बादी है और आखिरत में तो है ही, आखिरत में तो जहन्नम है ही, दुनिया में भी बड़ा सख्त अजाब है और वैल है। आप देखें दुनिया में खुदकशियों करने वालों की ज्यादा तादाद मुसलमानों की या काफिरीन के लिए? काफिरों की है ना, यही वैल है इनका, यही तबाही है। आज खुदकुशी मुसलमान भी करता है लेकिन ज्यादा तादाद किसकी है खुदकुशी करने वालों में? काफिरीन की है जी, डिप्रेशन की वजह से। अल्लदीना यस्तहिब्बून अल्हयात अद्दुनिया, अल्लदीना वो लोग जो यस्तहिब्बून पसंद करते हैं हयात अद्दुनिया दुनिया की जिंदगी को, अलल आखिरती आखिरत पर, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाही और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा इवजा और वो उसमें टेढ़पन उसमें टेढ़पन ढूंढते हैं। जाहिद भाई एक काम करेंगे, उनको कहें वो ईयर थ्री में कुछ इशू आ रहा है उसको चेक करें फौरन। जी या बहुना ढूंढते हैं, अल्लाह आलम ये देखना पड़ेगा मुझे, ये इसको अलग से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर आप वक्फ कर भी लें तब भी आपको यहाँ पर जर ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जर कसरा कसरा पढ़ेंगे जी।
अन नहीं, वो पहले की बात करो, पीछे की बात करो। कह दिया आपने, ठीक है जी। अल्लादीना, ये क्या है? ये अल्लादीना अस्माए मौसूला में से है, मुजक्कर है मुअन्नस है? हाँ मबनी है, लेकिन मुजक्कर है मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए है। जमा है वाहिद है? जमा है। यस्तहिब्बूना, तो ये मोरब मबनी क्या होता है? तो कह रहे हैं मबनी सब है, मबनी क्या होता है भाई? क्या नाम है आपका? हामिद। आप हामिद है? आपका नाम क्या है? आबिद जी। आबिद भाई मबनी क्या होता है? नहीं पता। मोरब क्या होता है? अच्छा आपने सुनना है गौर से, ठीक है ना। मबनी वो होता है जो अपनी हालत पे कायम रहे, और मोरब वो होता है जो इसके हरकत चेंज होती रहे। सही डेफिनेशन मोरब की ये है कि जिसके आखिर की हालत किसी आमिल के, यानी उसके पीछे कोई ऐसा फैक्टर आ जाए, कोई ऐसा लफ्ज आ जाए कि जिसकी वजह से उसके आखिर की हालत तब्दील हो जाए, इसको मोरब कहते हैं। जैसे हमने देखा ना कहीं पे लफ्ज अल्लाह अल्लाहु आ रहा है, अल्लाह आ रहा है, लफ्ज अल्लाह अल्लाह ही भी आ रहा है। इसी तरह सबीलिल्लाह है तो सबीलुल्लाह भी होता है, सबील अल्लाह भी होता है। उदउ के साथ आप उदउ इला सबील रब्बी का बिल हिकमा, इधर भी कसरा के साथ आया। और खैर इसकी चेंजिंग, इसमें चेंजिंग आती रहती, लेकिन मबनी क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चेंज नहीं होता। सही, तो ये अल्लदीना भी उन अस्मा में से है जिनमें चेंजिंग नहीं होती। जी सर मोरब कैसे लिखेंगे बता दें? मोरब कैसे लिखेंगे? नजर आ गया जी मोरब। चले यस्तहिब्बूना, कि जो पसंद करते हैं दुनिया की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं। यहां ये भी तो हो सकता था युहिब्बूना, युहिब्बूना का माना भी तो ये होता है पसंद करते हैं। कि यस्तहिब्बूना क्यों लाए? ये बाब इस्तिफाल से है, और बाब इस्तिफाल का माना क्या होता है? तलब करना होता है। तो क्या ये दुनिया की जिंदगी की मोहब्बत को तलब करते? हाँ माना तो यही बनता है कि जब भी किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ सीन ता लगा दिया जाए तो ये बाबे इस्तिफाल में से हो जाता है। और बाबे इस्तिफाल का खासा ये है कि ये इसमें तलब का माना होता है। तो जब तलब का माना होता है इसमें, तो फिर आप ये कहेंगे उस लफ्ज को, उस मादे को तलब किया जाएगा। तो जब मादे को तलब किया जाएगा तो यहां माना तो नहीं बन रहा। लेकिन जी हाँ थोड़ी सी रेलेवेंस बन रही है इसको। आप ये कहें कि जब भी हरूफ का इजाफा होता है तो माने में भी कुछ ना कुछ इजाफा हो जाता है, या माने में ज्यादा एम्फेसिस पैदा हो जाता है। जब भी हर्फ ज्यादा होंगे उनमें मुबालगा आ जाएगा, जिस लफ्ज में हर्फ ज्यादा होंगे उसमें मुबालगा आ जाएगा। यानी वो दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं अलल आखरा, आखरत की जिंदगी पर। यानी यहां से ये पता चलता है कि दुनियावी जिंदगी या दुनिया से मोहब्बत करना ये कोई मसले की बात नहीं है। दुनिया की जिंदगी या दुनियावी चीजों की मोहब्बत दिल में होना ये कोई ऐब नहीं है। आप अपनी औलाद से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने वालदैन से मोहब्बत करते हैं, आप अपनी सवारी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कई ऐसी बिलोंगिंग्स होती हैं जिसके, जो आपकी चाहत होती है, आपका उनसे कनेक्शन होता है, ताल्लुक होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन जब ये आपको अल्लाह के रास्ते से रोक दे, यस्तहिब्बून अल हयात अद दुनिया अलल आखरा, आखरत के मुकाबले में ये आपको रोक दे, तो फिर क्या होगा? फिर ये चीज मायूब हो जाएगी। मुबालगा का मतलब किसी माने में शिद्दत पैदा कर देना, ठीक मुबालगा कहते हैं उसको।
है ना, आप तो मुबालगे से काम ले रहे हैं, यानी ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ एग्जैजरेशन का माना नहीं है कि वो एग्जैजरेशन तो बाज़ औक़ात होता है हकीकत से बढ़ जाना, मुबालगा होता है कि उसमें माने में शिद्दत पैदा करना, सुपरलेटिव डिग्री। अलल आखरा वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वयबगूनहा इवजा, और उसमें टेढ़पन ढूंढते हैं। यानी अल्लाह के रास्ते से रोकना क्या, कोई नौजवान दीन पे आया, उसने दीन पे अमल करना शुरू किया, या कोई नौजवान लड़की दीन पे आई, उसने अबाया हिजाब करना शुरू कर दिया, उसने गलत गैदरिंग्स को छोड़ना शुरू कर दिया, गाने सुनना, मूवीज देखना, गालियां देना, ये छोड़ दी। अब क्या होता है, बाज़ों का सबसे पहले घर वाले ही मुखालिफ हो जाते हैं, आपके दोस्त ही आपके मुखालिफ हो जाते हैं। तो यही वो मिसाल है कि अल्लादीना यसुद्दूना, वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। बाज़ों का आप देखेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में या ऐसे ऐसे फोरम्स में, आप जब जाएं दीन की बात करने के लिए आपको इजाजत नहीं मिलेगी, ये दीन का नाम नहीं लेना आपने। जहां दीन का नाम आया पहले ही दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई लेक्चर देना है, कोई सेमिनार रखना है, कोई कॉन्फ्रेंस रखनी है, इस्लाम की नहीं, ये अलाउड नहीं है। हाँ, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने के लिए, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए कोई काम करना है, फबेहा आइए, स्पॉन्सर भी लीजिए, प्रमोशन भी लीजिए, सब कुछ लीजिए, इसके नाम की एक सोसाइटी भी बन जाएगी। लेकिन दीन का नाम आएगा अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वयबगूनहा इवजा उलाइक फी दलालिम बईद, वही लोग हैं जो दूर की गुमराही में हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, और नहीं हमने भेजा कोई भी रसूल। अरसलना, अरसलना क्या है, कौन सा सीगा है अरसलना, हाँ? अफ़अलना, अच्छा बाप क्या आता है, ये अनज़ला युन्ज़िलु इन्ज़ालुन, अरसला युर्सिलु इरसाल, अफ़अला युफ़िलु इफ़ाल, अक्रमा युक्रिमु इक्राम, वमा अरसलना मिन रसूलिन। तो सीगा क्या है, ने जब भी आपने सीगा बताना ना मुझे, तो सबसे पहले वाहिद तस्निया जमा में से बताना, तो वाहिद तस्निया जमा में से क्या है, नंबर वन। नंबर टू, मुजक्कर मुअन्नस में से क्या है। नंबर थ्री, गायब हाजिर मुतकल्लिम में से क्या है, हो गया। फिर आपने बताना है कि मारूफ है मजहूल है, फिर आपने बताना है ये बाप कौन सा है, ये पांच चीजें एक साथ बतानी है। तो ये क्या है, अरसलना जमा मुतकल्लिम, मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर है मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है मुअन्नस नहीं है ये, अच्छा हाँ भाई मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए होता है, अब्दुल समद साई दोनों के लिए होता है ये, हाँ इसलिए इसमें मुअन्नस का सीगा शामिल है। अरसलना फमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, और नहीं हमने भेजा कोई रसूल, सीगा पूरा नहीं हुआ अभी, जमा मुतकल्लिम फेल, जमा मुतकल्लिम माजी मारूफ, बाब बाब इफ़ाल, अरसला युरसिलु इरसालुन। जमा मुतकल्लिम इसमें जिन्स दोनों शामिल है, नहीं बस जमा मुतकल्लिम है तो मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम के सीगे कंबाइंड आते हैं, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। आपने ज्यादा बोलने का दिल चाह रहा तो बोल लीजिएगा, हाँ ठीक चले। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, और नहीं हमने भेजा कोई रसूल, इल्ला बिलिसानि कौमिही, नहीं हमने भेजा किसी रसूल में से, जी ये रसूल में से माना सही हो रहा है, तर्जुमा है किसी के पास, क्या लिखा है तर्जुमे में, हमने जब भी कोई रसूल भेजा, मीन का तो माना ही नहीं क्या इन्होंने,
असल तो आपके तर्जुमे के हिसाब से होना चाहिए मा अरसलना रसूलन, और नहीं हमने कोई रसूल भेजा। मिन गंगा मिन ज्यादा है, यानी कुरान में कोई चीज जायद भी है? कोई किया मतलब आप कह रहे हैं अल्लाह ने ऐसी जायद चीज डाल दी कुरान में? जी कोई रसूल कोई यहाँ पर आया हुआ। हर नबी क्या तर्जुमे? अच्छा क्या दो मतलब है? वो तो तफसीर है ना इसकी। हाँ मिन हमेशा तबईज या कह लीजिए बयान के माने में या दूसरे माने में जिसके लिए मिन होता है, से के माने में नहीं आता। मिन कभी कभार बयानिया भी होता है, बयान करने के लिए होता है। मिन कभी कभार जायदा भी होता है। ठीक, तो यहाँ फिलहाल आसानी से इसको जायदा मान लें। जायद का मतलब क्या है? जायद का मतलब ये नहीं कि ये आयत में जायद लफ्ज है। सही, जायद का मतलब कुरान में कहीं भी कोई लफ्ज जायद कहलाएगा कि ये जायद है, इसका मतलब ये होगा कि इस लफ्ज के बगैर माना सही होगा, इस लफ्ज के बगैर माना सही होगा। लेकिन यहां ये लाए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर है, सिर्फ ज्यादती के लिए नहीं लाए। वरना आप तो कहेंगे कुरान में तो माजल्ला कोई फजूल चीजें भी हैं, फजूल अल्फाज भी हैं जिनका कोई माना नहीं है। तो माना अगर ना भी हो, कोई ना कोई वजह होती है लाने की। सही, जैसे इन्होंने कहा ना कि हमने कोई नबी नहीं भेजा, तो ये कोई नबी आ गया, या फिर हमने हर नबी भेजा। ठीक, इस तरह के माना में भी आ सकते हैं। ये पहचानेंगे तफसीर पढ़ के, इल्म हासिल करके, ना वो सर पढ़ के, उस्ताद से पढ़ के। जी जी जी, तर्जुमे पढ़ के नहीं, निशानी नहीं है, सियाक से पता चलेगा, सियाक से पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, मैं रसूल इल्ला बिलिसान कौमी, सिवाय उसकी कौम की जबान के साथ ही भेजा। लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो उनको वाजे कर करके बताए। यहां भी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को पे अमल करना, उसको वाजिब समझने की दलील है कि कुरान नाजिल किया, तो कुरान नाजिल करने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम को ही भेजा उसकी वजाहत के लिए, नबी अलैहिस्सलाम को ही भेजा ताकि उसको खोल खोल के समझा दे। और ये बहुत आम सा मसला है कि नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि नबी अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया भेजे सबको उनकी कौम के लिए भेजा, सबको उनकी कौम के लिए भेजा। और उनकी कौम के लिए जब भेजा तो उनकी जबान में भेजा। इसी तरह इसी सुन्नत को फॉलो करते हुए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो नबी अलैहिस्सलाम को भी उनकी जबान में कुरान नाजिल करके दिया, और उनकी जबान में ही दीन की दावत दी। क्यों? ताकि वो समझ जाए इस चीज को। आगे भी शायद आ रहा है कि लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो उनको वाजे करके सुना दे। लेकिन चूंकि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं है बल्कि क्यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए, इसलिए अरबिक को चुना गया। अरबिक इतनी इतनी खूबसूरत जबान है कि इसमें इसकी इतनी वास्ट वोकैबुलरी है कि इतनी माइन्यूट डिटेल्स के लिए भी एक लफ्ज आ जाता है। आपने कोई माइन्यूट डिटेल देनी, उसके लिए लफ्ज आ जाता है। और यही कुरान का इजाज है, यही अरबिक का ये की एक खसूसियत है कि अल्फाज कम होते हैं लेकिन माना उन कम अल्फाज में बहुत कुछ बयान कर दिया जाता है। एक लफ्ज ऊंट है, ऊंट के अरबी में कहते हैं 100 से ऊपर अल्फाज है, कि जिनको अंग्रेजी में आप कैमल बोलते हैं और कैमल के साथ आप आगे पीछे कुछ ना कुछ उसकी एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। इसकी अरबी में कितने नाम है? बाल है, बाल अरबी में आप क्या कहते हैं? शॉर्ट हेयर एंड लॉन्ग हेयर। अरबी में अगर वो लॉन्ग हेयर कानों तक आ रहे हैं ना, इसका एक अलग लफ्ज है। अगर वो लॉन्ग हेयर ये कंधों तक आ रहे हैं, गर्दन तक आ रहे हैं कंधों के ऊपर, इसका एक अलग लफ्ज है। अगर वो लॉन्ग हेयर कंधे तक छू रहे हैं, इसका एक अलग लफ्ज है। खजूर है, ये तो आप सबको पता है, किताबो तौहीद में भी मैंने बताया था कि खजूर है, तो खजूर की गुटली का एक अलग लफ्ज है। खजूर की गुटली के इर्द गिर्द जो कवरिंग है, पतली सी झिल्ली है, उसका एक अलग लफ्ज है। उसमें एक नुक्ता है, उसका एक अलग लफ्ज है। जहन्नम के कितने अल्फाज है कुरान में, घोड़े के कितने नाम है। एक ऐसा घोड़ा कि जिसकी एक पाँव सफेद हो बाकी पाँव काले हो, इसका एक अलग नाम है। जिसकी पेशानी भी सफेद हो, इसका एक अलग नाम है। तो कई नाम है, और
ये तो खास आपने जब जकात का चैप्टर पढ़ा होगा तो ऊँटों का जो मैंने बताया, तो ऊँटों के कैसे आपने नाम पढ़े होंगे। तो यही अरबी का खास एजाज है कि बात कम होती है लेकिन माने बहुत होते हैं। अगर अगर ये अरबी के अलावा शायद किसी जबान में होता तो ये कुरान के 30 पारे नहीं होते बल्कि ये कोई 60-70-100 पारे होते। इतनी मोटी वॉल्यूम की किताब होती, इसको याद करना भी मुश्किल होता, हिफ्ज़ करना भी मुश्किल होता, आगे लोगों तक पहुँचाना भी मुश्किल होता। तो हमने नबी भेजा, वमा अरसलना मिन रसूलिन, और ये आसान भी बहुत है, अरबी आसान बहुत है, आप सुनते रहते याद हो जाती है। दुनिया की कोई जबान या शायद कह लीजिए अंग्रेजी और उर्दू हमने पढ़ी है, ये इंग्लिश सीखना और इंग्लिश अरबी का याद करना उतना आसान नहीं है उर्दू का जितना ये अरबी का याद करना आसान है। इंसान पढ़ता रहता है, खूबसूरत कुरान का तो खैर एक लहजा ही अलग है, मिजाज ही अलग है। फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा, रसूल तो हमने भेजा उनकी कौम की जबान में लेकिन हिदायत का मामला अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहे गुमराह कर दे, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे। वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अजीज भी है और हकीम भी है। यहाँ एक और गहरा नुक्ता है, वो ये कि अल्लाह ताला के लफ्ज अजीज का क्या मानिए, गालिब, और हकीम का क्या माना है, हिकमत वाला। कुरान में जब भी आप देखेंगे तो अल्लाह के ये दो नाम साथ जरूर आएंगे, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्यों? हाँ, कुरान के ये उन दो उन अस्मा में से हैं कि जो अल्लाह के नाम एक साथ आते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह ताला के एक बेहतरीन और कामिल और परफेक्ट रब होने की दलील है कि अल्लाह ताला अजीज है, अल्लाह ताला गालिब है। लेकिन गालिब होने के साथ साथ दुनिया में आप लोग देखेंगे जब उनको गलवा आता है ना तो उनकी अकल खो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर जाता है, जब शोहरत मिलती है तो अकड़ आ जाती है, हिकमत चली जाती है। लेकिन अल्लाह ने कहा अल्लाह अजीज है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा गालिब है, लेकिन इसके साथ साथ हकीम भी है, हिकमत से भी भरा हुआ है। यानी अल्लाह अजीज तो है, अजीज होने के साथ साथ हिकमत नहीं खत्म हुई। ये कुरुक्ता यहाँ बयान करना था। वलकद अरसलना मूसा, और हमने मूसा को भेजा, भी आयातीना, अपनी आयात के साथ, अन अखरिज कौमक मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर, ये कि आप निकालें अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ। हमने मूसा को भेजा निशानियों के साथ, कौन सी निशानियों के साथ, क्या निशानियां दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को? हाँ, आसा था, और मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां तो फिरौनियों के साथ की थी, उनका ताल्लुक फिरौनियों के साथ था, कुछ निशानियां बनी इसराइल के साथ थी। बनी इसराइल और फिरौनियों में क्या फर्क था? ये बनी इसराइल थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम की एक कौम थी, और वो एक किप्ती एक अलग कौम थी जिसमें फिरौन था। चूंकि हजरत मूसा ये फिरौन के घर में ही पले बड़े थे और वहां से निकल के फिर मदियन चले गए थे, फिर वापस आए, पूरी एक कहानी आगे सूरत वहां में भी आएगी और पहले भी गुजर चुकी है और उसके बाद आगे भी कई सूरतों में और पारों में आएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ कुछ निशानी और आयात है जिनका ताल्लुक फिरौन से, उसमें के जो आपने जिक्र किया यदे बैजा है, यदे बैजा है, यदे बैजा क्या है, रोशन हाथ, अपनी कमीज से हाथ निकाला वो चमक रहा था, रोशन हो रहा था, और आसा है, और माइक जो आले फिरौन पर अजाब आए थे, जो वो खून का और टिड्डियों का, वो जी जो खून का टिड्डी का और इनके जो उनपे अजाब आए थे, ये भी इसका ताल्लुक फिरौन से है। इसी तरह कुछ आयात हैं, कुछ निशानियां हैं जो उनको अता की गई, किसके साथ, उसका ताल्लुक है बनी इसराइल के साथ, वो क्या है, बनो सलवा उतारना, और बादल का फिरौन से निजात पा लेना, आसमान पे बादल आ जाना। जी असा में नहीं आता, वो असा तो मारा था ना लेकिन वो फट गया था, और वो पत्थर में से 12 चश्मे फूट जाना, तौरात खुद एक बहुत बड़ी निशानी है, ये एक अलग आयत है। तो अल्लाह ने कहा कि हमने मूसा को आयात के साथ भेजा, निशानियों के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या निशानी दी गई, क्या मौजा दिया गया, सबसे पहले सबसे बड़ा मौजा कुरान दिया गया। इस एक कुरान का ताल्लुक कुफार के साथ था, अहले मुशरिकीन के साथ था या अहले शिर्क के साथ था, कि उनको चैलेंज देने के लिए ये कुरान
नाजिल किया गया, और बाकी जितने मौजज़े थे उसने मुसलमानों का ईमान बढ़ाने के लिए और नबूवत में मजीद ईमान पुख्ता और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को मजीद मौजज़े जो उसी वक्त के लिए दिए गए। आया सभी के लिए है, यानी इसके लिए एक ताल्लुक था कि इस ताल्लुक से आया। ये मकसद ये नहीं है कि इन्हीं के लिए आया, इसका मकसद ये नहीं है कि इनकी वजह से ये आया, क्योंकि उस जमाने में शायरी बहुत आम थी। तो उसके अगेंस्ट नबी अलैहिस्सलाम को जो एक बहुत बड़ा मौजज़ा दिया गया वो कुरान दिया। अब वो मौजज़ा दिया जो इनके खिलाफ भी था और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए था, हिदायत भी बना दिया उसको। ये कुरान खुद एक मौजज़ा है और इसके अंदर भी बहुत से मौजज़े हैं, इसकी आयतों में मौजज़े हैं, इसके अहकाम में मौजज़े हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई और वो सही होती चली गई, ये भी तो एक मौजज़ा है। सर नबी सलाम का एक मौजज़ा ये भी तो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उम्मी थे जी। और एक उम्मी शख्स के से ऐसा कलाम बयान होना ये भी तो अल्लाह ताला का मौजज़ा है। जी जी, यही मौजज़ा है, यही मौजज़ा है। अनखरिज कौमका मिन ज़ुलुमात इला नूर वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, और उनको याद दिलाइए बि अय्यामिल्लाह अल्लाह के दिनों के बारे में। अय्यामिल्लाह से क्या मुराद है, दिन कौन से? जी वही कोई भी दिन जिसमें कोई खास काम कोई वाकया पेश आया हो उसको अय्यामिल्लाह कहते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनका नाम सुना आप लोगों ने, इन्होंने उसूल तफसीर में किताब लिखी है, क्या नाम है उसका, अल-फौज़ुल कबीर। वफाक के अंदर ये सिलेबस में शामिल है छठे सातवें साल में और मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। उसमें इन्होंने कुरान के पांच मौजूआत लिखे हैं, कुरान पांच मौजूआत पर मुश्तमिल है, उसमें से एक अय्यामिल्लाह है, अल्लाह के कुछ खास दिन के जो अल्लाह ने यानी साबका कौमों की भी अखबार में से कुछ खास दिन है। ये जिक्र हम भी अय्यामिल्लाह, अल्लाह के जो दिन है वो याद दिलाएं, जो पहले खास खास दिन कभी कोई गुजरे उनके लोगों को नसीहत कीजिए। इन नफी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इन चीज़ों में आयात हैं हर सबर करने वाले और हर शुक्र करने वाले के लिए, हर सबर करने वाले हर शुक्र करने वाले के लिए। यहाँ से पता चलता है कि सबर और शुक्र साथ साथ चलते हैं, सबर को आप शुक्र से अलग नहीं कर सकते। हर वो लम्हा जहाँ पे इंसान को सबर करना पड़े वही मकाम है शुक्र भी होता है। जब भी इंसान को कोई ये फीलिंग आए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मुझे फला तकलीफ आ गई फला परेशानी आ गई, उस पर सबर तो करना है लेकिन सबर के साथ शुक्र भी अदा करना है कि चलो ये नहीं आया ये परेशानी आ गई तो कम से कम मेरे पास ये चीज तो मौजूद है। मेरी अगर जॉब चली गई तो क्या हुआ, मेरे आज जिस्म है, मैं बातचीत कर सकता हूँ, मैं बोल सुन सकता हूँ, मैं खा पी सकता हूँ। बहुत से लोगों को आज ये भी नसीब नहीं है, मेरे पास छत है, मेरे पास घर है, रहने को छुपाने को इज्जत की जगह है। कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई आजमाइश आ गई तो इंसान ये सोचे कि अभी ये मुझे इतनी तकलीफ आई है, अगर ये इतनी ज्यादा आ जाती तो फिर क्या होता, मेरी जिंदगी में कोई मुझे बीमारी आ गई कम से कम ये तो नहीं है कि मैं मर गया या मेरा हाथ चला गया या मेरा जिस्म चला गया या मैं आज मेरी बोलने सुनने की सलाहियत ही खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए इंसान का जो भी मकाम है सबर है वही मकाम है शुक्र भी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इज़ा असाबत हुसर्रा, जब उसको कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, क्या अजीब है उसके अंदर सुनिए ये हदीस, हाँ क्या अजीब होता है कि उसके हर काम में खैर है, हर काम खैर से भरा हुआ है, जब कोई खुशी आती है वो शुक्र अदा करता है, ये उसके लिए खैर का बायस बन जाता है। और जब उसको कोई तकलीफ आती है इज़ा असाबत हुसर्रा, जब कोई तकलीफ आती है सबर करता है, फकाना खैर अल्लाह, और उसके लिए खैर का बायस बन जाता है। इसलिए इंसान को हर मकाम पे अल्लाह के लिए शुक्र गुजार और सबर करने वाला होना चाहिए। और सीधी सी बात है, जो बंदा साबिर होगा सबर करने वाला होगा उसी को शुक्र की तौफीक होगी, जो सबर करने वाला नहीं होगा उसको शुक्र की भी तौफीक कैसे होगी। इसलिए सबर पहले लाए शुक्र बाद में लाए, कि सबार पहले होना इंसान ने, उस सबार होगा तो शकूर बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है, इन नुसरा मा सबर, नुसरत जो है वो सबर करने से ही आती है। वहां इब्ने कय्यम कहते हैं कि तज़किये में,
तज़किए में सबसे जो आला दर्जा है ना तज़किए का वो सबर है। तज़किए का सबसे आला दर्जा वो सबर है कि इंसान अगर सबर करना सीख ले वो सब चीजों में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सबर ही इंसान करता है तो नेकियां भी करता है, सबर इंसान करता है तो गुनाहों से बचता है, सबर इंसान करता है तो इंसान उन तकालीफ उन परेशानियों को बहुत आसानी से झेल लेता है। ये सबर ही है जो इंसान को बहुत ऊपर लेके जाता है। अल्लाह पर अल्लाह ताला हमें सब्बार और शकूर बना दे। वाइज قال موسى لقومه اذكروا الله, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से اذكروا نعمة الله عليكم, याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर थी, इذ انجاكم من آل فرعون, जब अल्लाह ने तुम्हें निजात दी आल फिरौन से, जब अल्लाह ने फिरौनियों से तुम्हें निजात दी, यसूमूनकुम सूअल अज़ाबी, और वो चखाते थे तुम्हें बुरा अजाब या देते थे तुम्हें बुरा अजाब, वयुज़बहून अबनाअकुम, और ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को छोड़ दिया करते थे, वफी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें बलाउन आजमाइश है तुम्हारे रब की तरफ से। इद क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा ने जब कहा अपने कौम से याद करो नेमत को। अब ये वो नेमतें हैं कि जो मूसा को आयात की शक्ल में दी गई और इन नेमतों की याद दहानी कराई गई कि लोगो जो तुम दीन को झुटला रहे हो तुम उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की थी। यहाँ पे सूल अजाब के बाद एक वाव है, और उसके बाद अपने बेटों को जिबा करने की बात है। यहां से ये पता चलता है कि ये वाव युज़बहूना और के माना में होता है। वाव किसके माना में होता है? और के माना में होता है। तो युज़बहूना अबनाअकुम के अलावा भी वो अजाब दिया करते थे जो यहां जिक्र नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा हो सकता है कोई शदीद या अलग अजाब और तकलीफ होती, हो सकता है अगवा कर लेना, मारना, जेल में बंद कर देना, इसके अलावा भी अजाब दिया करते थे और बेटों को कत्ल कर दिया करते थे और औरतों को छोड़ दिया करते थे। फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें आजमाइश है। अल्लाह अकबर। बला का क्या मानी होता है? हाँ? आफत, मुसीबत और जी आजमाइश। बला के दो माने हैं और दोनों ऑपोजिट हैं। एक माना है आजमाइश का, मुसीबत का, आजमाइश छोड़े, एक माना है मुसीबत का और एक माना है नेमत का। बला में एक माना है मुसीबत का और एक माना है नेमत का, और ये दोनों चीजें इंसान पे आजमाइश होती है। कभी कभार इंसान पे कोई मुसीबत आती है तो वो मुसीबत भी इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है, कभी कभार इंसान पे कोई नेमत दी जाती है तो वो नेमत भी इंसान पे आजमाइश होती है। इंसान को बाज़ औक़ात अल्लाह नेमत दे के आजमाता है कि देखूं ये बंदा शुक्र करता है नहीं करता, इसकी गर्दन में सरिया चढ़ जाता है या नहीं चढ़ जाता, ये लोगों को किस निगाह से देखता है, इसका लहजा बदलता है या नहीं बदलता, शोहरत थोड़ी सी फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ गए, यूट्यूब पे इसकी सब्सक्रिप्शंस बढ़ गई, देखूं इसकी चाल चलन में फर्क आती है नहीं आती। अल्लाह नेमत देके भी इंसान को आजमाता है और कभी कभार मुसीबत देके भी इंसान को आजमाता है। और यहां भी वफी ज़ालिकुम बलाउन, और इस चीज में तुम्हारे लिए आजमाइश है। अगर तो ज़ालिकुम से मुराद, ज़ालिकुम क्या है? इशारा है, यानी इसका इशारा किसी चीज की तरफ हो रहा होगा। अगर तो ज़ालिकुम का इशारा अंजाकुम मिन आली फिरौन से है कि तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, तो ये क्या थी? नेमत थी। तो यहां पे बला का माना आजमाइश होगा नेमत के साथ। और अगर ज़ालिकुम का ताल्लुक यसूमूनकुम सूअल अज़ाब से हो तो फिर ये आजमाइश बन जाएगी किस चीज के साथ? मुसीबत के साथ। तो इसमें दोनों माना है, वफी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीमुन, और आगे बड़ी एक अजीम आयत है, व इस्तअज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया है, तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र गुजार बन जाओ, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं जरूर बिल जरूर ज़ियादती करूंगा।
अफनान लाजीदन्नकुम का क्या मानी है जी रयान, लाजीदन्नकुम मैं ज्यादा दूंगा, तो ये ज्यादा दूंगा तो माना होता है अजीदूगा, बढ़ा के दूंगा तो ये अजीदू का माना ही होता बढ़ा के दूंगा। लाजीदन्नकुम का क्या माना हुआ फिर? हाँ दो ताकीदे लगाई, पहले लगाई ला अजीदू मैं जरूर ज्यादा करके दूंगा, फिर एक नून मुशद्दद की ताकीद लगाई ला अजीदन्नकुम मैं जरूर बिल जरूर ज्यादा करके दूंगा। अगर सिर्फ अजीदू आता तो माना सही था, जुमला पूरा हो जाता कि अजीदू मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन अल्लाह का वादा है कि एक बंदे तुम मुझसे शुक्र अदा करो, तुम मेरी नेमतों का शुक्र करो, मैं जरूर बिल जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा। लेकिन ए बंदे वला इन कफर तुम, ए बंदे अगर तुमने ना शुक्री की, तुमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, इन नादा बीला शरीद तो बेशक मेरा अजाब बड़ा शदीद है। यहां से पता चलता है कि शुक्र गुजारी तो इबादत है लेकिन ना शुक्री कुफर है, ये ना शुक्री अल्लाह का इनकार की तरफ लेके चली जाती है इंसान को। लेकिन फिर भी अल्लाह की नेमत देखें, अल्लाह का एहसान देखें हम सब पर, कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम नाशुक्री करोगे, ये नहीं कहा तुमसे पास तुम्हारे पास जो है वो जरूर छीन लूंगा, होता है नाशुक्री के नतीजे में नेमते छीन जाती हैं, होता है ऐसा। वज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतिन, अल्लाह ने कुरान में एक ऐसी बस्ती की मिसाल दी, कानत आमिना मुतमइना, वो बस्ती अमन में भी थी इत्मीनान में भी थी, लेकिन उसने क्या किया, फकफरत बिअनअमिल्लाह, उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, तो क्या हुआ, फअज़ाकल्लाहु लिबास अल-खौफ वल-जुअ, अल्लाह ने उसको खौफ का और भूख का लिबास बना दिया। तो अगर नाशुक्री करेंगे और एक ग्लोबल नेशनल लेवल पे नाशुक्री जब होगी, जब हर पाकिस्तानी बैठ के नाशुक्री के कलिमात अपनी जबान से निकालेगा, जब एक कंपनी में बैठे हुए सब लोग नाशुक्रे हो जाएंगे, जब इस इलाके एक सोसाइटी में बैठे हुए सब लोग नाशुक्रे हो जाएंगे, फिर अल्लाह का अजाब आएगा, जो है वो भी छिन जाएगा, ये होता है। लेकिन अल्लाह ने वादा नहीं किया, अल्लाह का अल्लाह की नेमत देखें, अल्लाह ने कहा अगर तुम कुफर करोगे मेरा अजाब बड़ा शदीद है, नेमते तो शायद मिल जाए लेकिन आखिरत में अजाब बड़ा शदीद है, दुनिया में भी हो सकता है आखिरत में भी हो सकता है, लेकिन शुक्र गुजारी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जाएगा। दुनिया में अगर इंसान को कोई चीज चाहिए तो क्या करे, जो है उसको काफी समझे। अंग्रेज दुनिया में खुश रहने के टोटके बयान कर रहे हैं आजकल, दुनिया में हैप्पीनेस कैसे अचीव करनी है, अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन कैसे इंसान हासिल करे, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वर्कशॉप्स, हजारों लाखों लोग रुपए देते हैं, मुसलमानों को भी करानी पड़ गई है, मेरी भी एक हैप्पीनेस पे वर्कशॉप है, यूट्यूब पे मौजूद है, मैं कराता हूँ, जुमे में पढ़ाए मैंने इस पे कि जिंदगी में इंसान ने खुश कैसे रखना है, उलमा ने भी कलाम किया। लेकिन बात हो रही है अंग्रेज की, आपको पता है पहली चीज आप गूगल पे लिखें कि दुनिया में इंसान ने खुश कैसे रहना है, पहली चीज पता है क्या आती है, कहते हैं बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है ना उसको काफी और शाफी समझे, बस जो कुछ है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। बहरहाल शुक्र गुजारी पे बहुत बातें हो सकती हैं, अल्लाह ताला हमें शुक्र गुजार बनाए। आपका सवाल था जी, जी बाद में ही आता है, ताकीद का जो नून मुशद्दद है वो बाद में ही आता है। मैंने जो आयत अभी बोली वो किस सूरत में है ये मुझे नहीं याद, अज़ाकल्लाहु लिबास अल-खौफी वल-जुई, सूरह नहल की आयत है जी, सूरह नहल की आयत है, आप इसको सर्च कर सकते हैं ऐप्स में या ऑनलाइन जी। जी असल में यहाँ कहते हैं ये उज़्कुर महज़ूफ है यहाँ पर, और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया, तुम्हारे रब ने ऐलान किया किस चीज का, लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, ठीक, उज़्कुर भी महज़ूफ होता है अक्सर ऐसे मकामात पर, ठीक है ना जी। क्या किया वो तो ताज़ना के माना में है ना जी, जी ना शुक्री
नाशुक्री कबीरा गुनाहों में आएगी। सही, अल्लाह आलम। गुनाह जरूर है, नाशुक्री करना गुनाह जरूर है। कबीरा गुनाह क्या होता है? हाँ, जिस पे कोई वईद हो और, हाँ बोले, नबी अलैहिस्सलाम ने रोका हो? नहीं जी, माइक, जो बगैर माफी के माफ नहीं होगा, जो बगैर माफी के माफ नहीं होगा। ये तो इसकी एप्लीकेशन, इसका तरीका है ना इसकी माफी का। जो सगीरा गुनाह होते हैं वो कर करके वो कबीरा हो जाता है, जो सगीरा होते हैं वो कर करके कबीरा हो जाते हैं। लेकिन सगीरा क्या होते हैं, कबीरा क्या होते हैं? हाँ, कबीरा गुनाह वो होता है जिसमें किसी मामले पर अल्लाह की लानत आई हो, किसी पे आखरत में कोई अजाब हो, दुनिया में कोई हद हो कि इसकी ये सजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे लोग मुझसे नहीं बरात का ऐलान किया हो, ये सारे कबीरा गुनाहों में से। या फिर किसी हदीस में आ गया हो ये कबीरा गुनाह, ठीक, जैसे एक हदीस में है ना अकबर उल कबायर, बड़े बड़े गुनाह 10 गुना बयान किए, तो ये कबीरा गुनाहों में से। इनके अलावा जितने भी हैं वो क्या है, सगीरा है। और अक्सर वो सगीरा होते ही वो है जिनमें कोई वईद नहीं होती, और तो वो गुनाह क्यों होते हैं? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने करने से मना किया होता है। सही समझ आ गया। अब ये सगीरा गुनाह क्या होते हैं, मिसाल ये असाइनमेंट आप लोग का, हाँ कल गूगल करके लाना है जी। मिसाल हो कि नबी सब ने मना किया और कबीरा ना हो जी। हाँ, बदनजरी हो गई और जी, लेकिन बार बार करने से ना कबीरा हो जाता है। अब ये बता दिया किसी ने, ये नहीं बताना कल, बाकी चले। وقال موسى ان تكفروا انتم وانتم في الارض جميعا فان الله الغني الحميد। अगर तुम ए मूसा, मूसा ने कहा ए लोगो ان تكفروا, अगर तुम सब कुफर कर लो, ان تكفروا انتم تاکید لائی ان تكفروا انتم, तुम सब कुफर कर लो, ومن في الارض جميعا, और जो जमीन में है सब के सब वो कुफर क्यों ना कर लें, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। इन्नल्लाहा लगनीयुन हमीद, अल्लाह ताला बेशक क्या है, बड़ा बेपरवाह है और हमीद है, यानी बड़ी तारीफ वाला है। यानी अल्लाह को हमारी इबादात की जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमारे अल्लाह के खजानों में, अल्लाह की हैसियत में हमारे गुनाह करने से, कुफर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान इबादत कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, और गुनाह कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक हदीस है, वो हदीस बयान करके वक्त तो पहले खत्म हो गया। हदीस इंशाल्लाह आपको कल सुनाएंगे, एक अच्छी और तवील हदीस है इसी आयत के ताल्लुक से। ठीक है जी, रियाकारी कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाहों में से नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही, कल बताएगा इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाह बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए व मुरसलीन अम्मा बाद। जी, थोड़ा सा हम पुरानी जो माजी की कुछ यादें हैं उनको तरोताजा कर लें। लेकिन जल्दी जल्दी करना है, हमारे पास वैसे ही वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़े से रूल्स अगर हम ब्रीफली गुजार लें जी। अरबी जबान इसमें हरूफुल हिजाइया होते हैं। हरूफुल हिजाइया कौन से होते हैं? अलिफ बा ता सा, बिल्कुल सही। और इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? कलिमात बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स कितनी तरह के हो सकते हैं?
तीन तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? अरे भाई कलिमात, कलिमात कौन कौन सी तरह के होंगे? इसम होगा, फेल होगा या हर्फ होगा? इसम में क्या होगा और क्या नहीं होगा? इसम अपना माना खुद वाजे कर सकेगा लेकिन क्या नहीं कर सकेगा, जमाना उसके अंदर नहीं होगा, और फेल के अंदर जमाना भी मौजूद होगा, अपना माना खुद भी वाजे करेगा, जो ना इसम हो ना फेल हो वो ऑटोमेटिकली हर्फ बन जाएगा। फिर इसम के एतबार से हमने चार चीजें डिस्कस की थी, क्या क्या? उसके उसका जिन्स, जिन्स के एतबार से कैसा होगा या कैसा होगा, या मुजक्कर होगा या मोनस होगा। आमतौर पर मोनस की क्या अलामत होती है? आखिर में गोलता आ जाता है। और भी क्या अलामत थी? अलिफ ममदूदा आ सकता है जैसे समाउन, और अलिफ मकसूरा आ सकता है जैसे कि हुबला, जो या की तरह लिखा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब ये अलामत आ जाए तो लाजमी तौर पर वर्ड मोनस हो जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। वो अस्मा जो मोनस होते हैं बगैर अलामत के, उनको क्या कहा था याद है? समाई। समाई क्यों कहा था? क्योंकि अरब से सुन के हमें पता चला है, उसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, रूल नहीं है, सुन सुन के पता चला। ठीक है जी, जिन्स हो गया। जिन्स के बाद क्या था? अदद। अदद के एतबार से इसम या वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा। साल के आखिर में तस्निया ने भी एंट्री मार ली थी। वाहिद, तस्निया का मतलब दो, और जमा तीन या तीन से ज्यादा। एक वर्ड को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो वाहिद है, उसका तस्निया कैसे बनाते हैं? अलिफ नून लगा के तस्निया। डुअल कैसे बनाया था? तस्निया, जैसे किताबुन से किताबानी, ये हो गई दो किताबें। फिर जमा के हमारे पास दो तरीके थे। क्या दो तरीके थे? एक सालिम का था कि ओरिजिनल जो वर्ड था वाहिद का उसको एज इट इज रहने दें, उसके आखिर में कुछ अल्फाबेट्स ऐड करके मुजक्कर के लिए क्या ऐड करें या वाउनून ऐड कर दें, और मोनस के लिए अलिफ था, जैसे कि मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, और मुस्लिमतुन के लिए क्या था? मुस्लिमातुन। तो उस वर्ड के आखिर में अल्फाबेट्स ऐड करने से जमा का मीनिंग आ गया। और दूसरी जमा कौन सी थी? जमा मुकस्सर। उसके अंदर क्या होता है? हर्फ टूट जाता है, ओरिजिनल वर्ड जो है उसमें खुद किसी तरह की चेंज आ जाती है। जैसे किताबुन की जमा क्या थी? कुतुबुन। किताबुना नहीं थी, किताबातुन नहीं, बल्कि कुतुबुन। तो वर्ड चेंज हो गया जमा मुकस्सर में। जिन्स हो गया, अदद हो गई। तीसरी चीज क्या थी इसम की? वुसत। उसकी वुसत। वुसत के एतबार से इसम कैसा होता है या कैसा होता है? या मारफा होगा या नकरा होगा। मारफा का क्या मतलब होता है? कि उस वर्ड के अंदर एक खास पहचान है कि वो इसम किस पे दलालत कर रहा है। नकरा रिलेटिवली ज्यादा आम होता है। ठीक है, जैसे एक किताब कोई भी किताब हो सकती है, एक खास किताब वो मारफा हो जाएगी। नकरा की आमतौर पर क्या पहचान होती है? तनवीन आता है आमतौर पर। और मारफा की ऐसे वर्ड पे अगर शुरू में अल लगा देंगे तो वो मारफा बन जाएगा, और आखिर से क्या हटा देंगे? तनवीन हटा देंगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो तनवीन के बावजूद मारफा होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कुछ अलम होते हैं जो किसी शख्स का या किसी जगह का नाम हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे हामिदुन, मोहम्मदुन, इनमें तनवीन है, लेकिन चूंकि ये खास शख्स का नाम है इसमें वो पहचान है, इसलिए मारफा है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें तनवीन नहीं भी होती फिर भी वो मारफा होते हैं। वो कौन से थे? जैसे कि गैर मुनसरिफ थे, जैसे कि मिसाल इब्राहिमु। मोनस के अक्सर अस्मा आयशतु, खदीजतु, ज़ैनबु, इनके आखिर में तनवीन नहीं है फिर भी ये मारफा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। चौथी चीज, अच्छा वो सत हो गई जी। अच्छा मारफा के अंदर क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट मारफा होती हैं? इशारे के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ हाजा, तो चूंकि मैंने इशारा कर दिया है, चीज की पहचान आ गई है, तो इसलिए ये मारफा होगा। दूसरी कोई चीज, इसमें मौसूल अल्लजी, वो जो, क्योंकि उसमें पीछे जिक्र हो चुका होगा। मैं कहूँ अल किताब अल्लजी अल मकतब, वो किताब जो के, तो ये जो के किसकी तरफ जा रहा है? पीछे अल किताब जिक्र हो चुका है, तो इसलिए अल्लजी। और जमायर ही शी वाले जो थे, हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम। अब हुआ लाजमी तौर पर किसी का जिक्र हो गया है तब जमीर आ सकती है। मैं ऐसे ही कह दूं वो आया, तो ये वो हवा में तो नहीं हो सकता, तो पहले जिक्र हो चुका होगा ये कौन है, इसलिए जमायर भी जो है वो मारफा होंगी। चौथी चीज क्या थी? इसम का एराब। एराब होता क्या है?
इसम के आखिर में, इसम के आखिर में उसकी एक खास हालत होती है। कभी वो हालत हरकात से जाहिर होती है और कभी वो हालत हरफ से जाहिर होती है, और कभी वो हालत जाहिर होती ही नहीं है, ठीक है, मुकद्दर होती है, ठीक है, तकदीरी होती है। तो इसम का आखिर में जो है उसका एराब आएगा। एराब कितनी तरह का होता है? तीन तरह का। कौन कौन सा? रफा होता है, या नसब होता है, या जर होता है। अब एराब जाहिर होने के एतबार से वर्ड्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बुनियादी पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो बुनियादी पैटर्न क्या था? रफा जम्मा से शुरू होगा, नसब फतहा से शुरू होगा, और जर कसरा से। जैसे कि जैदुन, जैदन, जैदिन, ठीक है। अगर वो वर्ड जमा मोनस हो तो फिर कैसे होगा? मिसाल से बता दें, समावा तुन, रफा में समावा तुन, नसब में समावा तिन, और जर में भी समावा तिन। अगर वो वर्ड और क्या होता है, गैर मुनसरिफ हो, तो फिर कैसे होगा? कैसे आएगा? ज़ैनबा। और जर कैसे आएगा? वो भी ऐसे आएगा, ज़ैनबा से। अगर एक वर्ड जमा मुजक्कर सालिम हो तो फिर रफा कैसे आएगा? वाउनून से मुस्लिमूना, और नसब और जर या नून से मुस्लिमीन और मुस्लिमीना। अगर इराब तकदीरी होगा तो जाहिर नहीं होगा, जैसे कि मूसा, मूसा और मूसा। और एक और कैटेगरी थी अस्माए सित्ता मुकब्बरा, अबू, अबा, अबी, लेकिन इनका कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही जो है ये इराब फॉलो होगा, ठीक है जी। तो ये चार चीजें हो गई। फिर वर्ड्स का आपस में ताल्लुक होता है। दो वर्ड्स अगर आपस में यूज हुए हैं उनका आपस में ताल्लुक होगा। कभी ऐसा होगा कि एक मौसूफ बनेगा, दूसरी उसकी सिफत बनेगी। इनका रूल क्या था? सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। किस चीज में? लाजमी तौर पे एराब में और वुसत में, और अक्सर अदद और जिन्स में भी। किताबुन सकीलुन, सकील का मतलब भारी, एक भारी किताब। किताबुन सकीलुन, किताबुन रफा, सकीलुन रफा, किताबुन नकरा, सकीलुन नकरा। अल किताबु कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? असकीलु हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया सिफत मौसूफ। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी वर्ड्स का आपस में ताल्लुक किस तरह का हो? मुजाफ मुजाफ ही हो सकता है कि एक वर्ड की निस्बत या इजाफत की जा रही है दूसरे की तरफ। एक बन जाएगा मुजाफ जिसकी निस्बत की जा रही है, वो कैसा होगा? खफीफ होगा, हल्का होगा, यानी कि ना अल आएगा उस पर ना तनवीन आएगी। और मुजाफ इलैह कैसा होगा? हालत जर में होगा। जैसे कि हामिद की किताब कैसे कहेंगे? किताबू हामिदिन, किताबू कहेंगे, किताबू नहीं कहेंगे, किताबू नहीं कहेंगे। और हामिदिन मुब्तदा कैसा होता है? मुब्तदा का हक है कि वो मारफा हो, शुरू में आए, और एराब मरफू हालत रफा में हो। और खबर की क्या सूरत हाल है? मरफू होगी, हालत रफा में होगी, मुब्तदा से डिफरेंट कैसे होगी? नकरा हो जाएगी। खासकर अगर वो ऐसी हो कि वो सिफत बन सकती हो, यानी उसके अंदर सिफत ही माना हो, तो वो नकरा होगी। अगर सिफत ही माने का मसला नहीं है तो फिर वो मारफा भी आ सकती है। कभी कभी जी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई वजह होगी, ठीक है, या कोई खास माना दिया जा रहा होगा मुब्तदा खबर में। फिर कुछ खास किस्म के हरूफ थे। एक कैटेगरी हरूफ की हमने देखी थी, हरूफ जर। वो क्या करते हैं? वो अपने आगे वाले वर्ड को हालत जर में कर लेते हैं, और ये आते हमेशा इसम से पहले। हर्फ जर आएगा, उसके बाद इसम आएगा, और वो हालत जर में चला जाएगा। अजान हो रही है? हाँ चलिए जी, अजान के बाद इंशाल्लाह फिर हम फेल को इंशाल्लाह थोड़ा सा सलाम करते हैं, फिर इंशाल्लाह। ओके जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैर, नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
हम ऐसा करते हैं, फेल का जो रिवीजन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे करेंगे, आज हम थोड़ा सा किताब को भी चख लेते हैं, उससे तारुफ कर लेते हैं। आप लोगों ने ये किताब जो है इसका अलजुजुल अव्वल जो है वो ले आए, किताब ले आए, अच्छी बात है किताब ले आए। अलजुजुल अव्वल आपने माशाल्लाह जो है वो पहले साल में मुकम्मल कर लिया था, ऐसे ही है ना, हो गया था ना, धक्का दे दे के हुआ था लेकिन हो गया था। तो अब टारगेट तो इंशाल्लाह ऊंचा है, तो जुज सानी मुकम्मल करना है इंशाल्लाह, जुज सालिस में दाखला हासिल कर लेना है। कहां तक पहुंच पाते हैं वो अल्लाह मालिक है। ये साल जो है आप लोगों का बाकी सालों के मुकाबले में अरेबिक पे रिलेटिवली ज्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। अरेबिक के 4 पीरियड्स हैं आप लोगों के हफ्ते में, ठीक है। पिछले साल 2 थे, अगले सालों में भी 2 होंगे, ठीक है। इस साल 4 हैं, उसकी वजह ये है कि इस साल ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है रीडिंग पे, उसके फहम पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे। जितना आप ज्यादा रीड करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको कुतुब पढ़ना जो है वो इंशाल्लाह आसान होता रहेगा, ठीक है। इस बार अलग से ग्रामर नहीं होगी, सिर्फ यही किताब होगी इंशाल्लाह। इसी में जो एलिमेंट्स आएंगे ग्रामर के उनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें शुरू में ऐसी आएंगी हमने पहले पढ़ी हुई है, रूल पढ़ा था, अब उसकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा फोकस ट्रांसलेशन पे ज्यादा रखेंगे ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं मुझे वाजे होता रहे कि वो आप लोग समझ रहे हैं इंशाल्लाह। तो रीडिंग जब हम करेंगे तो आप एक सेंटेंस रीड करें, उसका फौरन तर्जुमा करें, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे, फिर तर्जुमा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो आज इब्तिदा कौन करना चाहेगा? माइक है, माइक जरूरी होगा रीडिंग के लिए, बस याद रखिएगा जी। जी बिल्कुल, जुसानी दुरुसुल लोगा, एक माइक पीछे एक माइक आगे होना तो चाहिए आज, अगर नहीं है आज पीछे से इब्तिदा अगर करना चाहेंगे आप लोग तो बराए मेहरबानी करें। मर्दों को तो मैं इंडिविजुअली पकड़ लूंगा इंशाल्लाह, खवातीन बराए मेहरबानी जिनको अपनी रीडिंग इंप्रूव करने की कोशिश करनी हो वो अपनी चॉइस से जो है वो क्लास में रीड कर लें, अदरवाइज आप कहीं और भी रीड करके अपनी रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो जी शुरू करें इंशाल्लाह। अद्दरसुल अव्वल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाशिमु, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल मुदर्रिसु, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाशिमु कैफा हालुका या उस्ताज, या उस्ताजु, या उस्ताजु। लअल्लका बिखैर। अल मुदर्रिसु, तर्जुमा क्या हो जाएगा इसका? कैफा हालुका या उस्ताजु, कैफा हालुका या उस्ताजु, आपके हाल कैसे हैं ए उस्ताद। लअल्लका बिखैर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अलमुदर्रिसु अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफा हालुका अंता या हाशिम, और तुम्हारा हाशिम मु, या हाशिमु, और तुम्हारा हाल कैसा है ए हाशिम। पढ़ूं आगे? जी जी बिल्कुल। अना उहिब्बुका कसीरन, मैं बहुत खुश हूँ। अहब्बा युहिब्बु कहते हैं पसंद करने को या मोहब्बत करने को। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या हाशिमु ए हाशिम। इन्नका तालिबुन जकीयुन व मुज्तहिदुन व जू खुल्किन, इन खुलुकिन, खुलुकिन। इन्नका बेशक तुम तालिब इल्म हो, जकीयुन जहीन, जहीन, व मुज्तहिदुन और मेहनती, और मेहनती, व जू खुल्किन और तुम अच्छे अखलाक, और अच्छे अखलाक वाले। अमन पाकिस्ताना मिन, ओ मिन पाकिस्ताना जी। अंता उमुन मिनल अमुन मिनल हिंदी या हाशिम, क्या तुम पाकिस्तान से हो, और तुम्हारी या फिर या तुम्हारी वालदा जो है, अम है, उम नहीं है, अम मींस और या हिंद से तुम, ठीक है। अमिन पाकिस्ताना अंता, क्या आप पाकिस्तान से हैं, अम या फिर मिनल हिंदी, हिंद से ए हाशिम। हाशिम इन्नी मिनल हिंदी, मैं हिंद से हूँ।
ओके इन्नी मिनल हिंदी, बेशक मैं हिंदी से हूँ। एक सेकंड वेट कीजिएगा जी, आपको सवाल पूछना है जी। सवाल पूछने के लिए कोशिश कर सकते हैं, चेक करते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आ रही है आवाज आ रही है या नहीं? एक कुछ कहेंगे प्लीज जी। सर मेरा क्वेश्चन है, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है। मैं एक सेकेंड, आप भी थोड़ा सा अगर आवाज अपनी बढ़ाने की कोशिश करें, यहाँ से बढ़ाइए जी। सर ये अभी हमने सेकंड सेंटेंस में इन्होंने पढ़ा वालेकुम अस्सलाम, समटाइम्स आई हियर इट वालेकुम अस्सलाम एंड समटाइम्स पीपल से वालेकुम अस्सलाम। ये वालेकुम अस्सलाम है और उसको मिलाने के लिए वालेकुम अस्सलाम। सही, ठीक है, लेकिन ये मिलाने के लिए इससे इसके माने में फर्क नहीं आएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन था जी? जी यही था। ओके जज़ाकल्लाह खैर जी, आगे रीड करें प्लीज। अल मुदर्रिसु व ज़मीलुका अल्लज़ी खरजा मा'अका अल आना मिन अल फसली, और वो तुम्हारा दोस्त अल्लज़ी वो जो खरजा निकला है मा'अका तुम्हारे साथ अल आना मिन अल फसली अभी क्लास से। अहुआ ऐज़न मिनल हिंदी, वो भी क्या हिंद से है? चाहे जमील का माना दोस्त का भी कर सकते हैं और जमील का माना साथी, क्लास फेलो, ठीक है। ऐज़न का क्या माना है? ऐज़न वो भी आल्सो, बिल्कुल सही। हाशिमु हाशिम, हाशिमुन हाशिम, ला नहीं इन्नहु बेशक वो मिनल पाकिस्तानी। सेंटेंस वर्ड वर्ड का ना करें, सेंटेंस रीड करें ताकि इन्नहु मिन पाकिस्ताना, इन्नहु मिन पाकिस्ताना बेशक वो पाकिस्तान से है। अच्छा पाकिस्तान ना क्यों पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो गैर मुनसरिफ है, इसकी गैर मुनसरिफ की वजह क्या होगी? गैर अरबी है और नाम है, ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा अगर आप इसको मोनस बनाना चाहें तो मोनस भी हो सकता है। मोनस क्यों हो सकता है? क्योंकि कंट्रीज के जो नाम है वो मोनस कंसिडर किए जाते हैं, कंट्रीज और शहरों के नाम भी जो है वो मोनस कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन गैर अरबी भी और आलम जो है ये भी। वेरी गुड जी, आगे। इन्ना साअतु साअतका जमीलतुन या हाशिमु, बेशक तुम्हारी जो घड़ी है वो खूबसूरत है हाशिम। मिनल याबानी हिया, क्या ये जापान की है? हाशिम, क्या ये जापान की है? की है नहीं, मिन से है, से है। क्या ये जापान से है? हाशिम, ला इन्नहा मिनल हिंदी, नहीं ये हिंद की है, हिंद से है। इन्नहा इन्नहा बेशक ये, बेशक ये, ये हिंद से है, हिंद से है। अल मुदर्रिसु अगालियतु हिया अम रखीसतुन, इसके मायने नहीं पता। गालियतुन महंगी और रखीसतुन जिद्दु गालिया, जिद मतलब ऑपोजिट। अच्छा, अगियतुन गालियतुन हिया अम रखीसतुन, क्या ये महंगी है या सस्ती? बिल्कुल सही। हाशिमुन इन्नहा रखीसतुन जिद्दन, ये बेशक ये सस्ती है, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। इन्नहा बिमी अति रुबियतिन फकत, मेआ कितने को कहते हैं? 100 को, 100, तो बेशक ये 100 रुपए की है सिर्फ, फकत सिर्फ, सिर्फ। इन्नहा बेशक ये सिर्फ 100 रुपए की है। अल मुदर्रिसु कम अखल लका या हाशिम, क्या ये तुम्हारा कम कितने कितने अखन कितने भाई हैं तुम्हारे या ए हाशिम? आगे किसी को दे दूं पढ़ने को जी, आगे कोई और प्लीज रीड कर लें। जज़ाकल्लाह खैर, डिफरेंस बिटवीन इन्नहा और इन्नी ये आगे आएगा इंशाल्लाह। इन्ना के बाद इन्ना क्या करता है? ऑनलाइन से भी टाइम करता है और अपने बाद वाले इसम को हालत नसब में भेजता है, तो उसके बाद जब जमीर आती है तो फिर वो मिला के जमीर मंसूब मुत्तसिल वाली आती है। इन्नहा, हा किसकी जमीर है? मौनस वाहिद मौनस की। और इन्नी में कौन सी जमीर है?
या किसकी होती है? मुतकल्लिम वाहिद, मुतकल्लिम मेरी, तो इन्नहा बेशक वो और इन्नी बेशक मैं। जी हाशिम ली सलासता इख्वतुन, सलासतु इख्वा तिन, तिन ली सलासतु इख्वा तिन, हाशिम मेरे तीन भाई हैं, मेरे तीन भाई हैं, अल मुदरसु, ये इसको फिर ना बोला करें बार बार, भले अल मुदरस हाशिम को, अतलाबुहुम क्या वो तालिब इल्म हैं, वापस अतलाबुहुम असल में क्या था, अहुम तुल्लाबुन, क्या वो स्टूडेंट्स हैं? जी ला इन्नहुम तुजारुन, नहीं वो बेशक वो ताजिर हैं, ताजिर हैं। वकम उख्तन लका, और कितनी बहनें हैं तुम्हारी? ली अरबा अखवातुन, अरबाउ अखवातुन, अखवातिन, तिन, मेरी चार बहनें हैं, अफिल हिंदी हुन्नल हुन्ना अल आना, क्या वो अभी हिंद में हैं? बिल्कुल सही। ला इन्नहुन्ना हुना बिल मदीनतिल मुनव्वरति मा अबी व उम्मी व अम्मी, उम्मी उम्मी, नहीं बेशक वो सब अभी यहाँ मदीना मुनव्वरा में हैं मेरे अम्मी अब्बू के साथ। सही, इन्नहुन्ना हुना, बेशक वो यहाँ पे हैं मदीना मुनव्वरा में मेरे अब्बू और मेरी अम्मी के साथ। सही। क्या वो पढ़ती हैं या तालिबात हैं? ला इन्ना हुन्ना मुदर्रसातुन, मुदर्रिसातुन, ला इन्ना हुन्ना मुदर्रिसातुन बिल मदरसती मदरसतिस सानविया, नहीं बेशक वो सब पढ़ाती हैं सेकेंडरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, मर्दों के पास माइक नहीं है। मिन अइना हाशिमू, आप पीछे सर्च करें, कोशिश करें इसका जवाब दें। मिन अइना हाशिमू, हाशिम कहां से है? जवाब क्या होगा? हुआ मिन मिनल हिंदी, कहां लिखा हुआ है? इन्नी मिनल हिंदी, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हुआ मिनल हिंदी। सही। सवाल उसानी, अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु, क्या युहिब्बु पसंद करते हैं उसको मुदर्रिस? तो क्या जवाब होगा? नाम, इतना भी काफी है, नाम या फिर नाम, युहिब्बुहुल मुदर्रिसु, हाँ उसको मुदर्रिस पसंद करते। मिन अइना साअतुहु, उसकी घड़ी कहाँ से है? जवाब क्या होगा? कौन मिनल हिंदी, या आप कह सकते हैं साअतुहु मिनल हिंदी, या फिर हिया मिनल हिंदी, वो हिंद से है। सही। बिकम हिया, कितने की है? हिया बि मिअति रुबियतिन, हिया बि मिअति रुबियतिन। कम अखन लहू, कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं? तुमने किताब नहीं ली ना, ये किताब नहीं है, वो किताब जिसमें तुम लिखो, वो किताब जिसमें तुम लिखो, लिखना जरूरी है। कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं? तो क्या जवाब होगा इसका? लेकिन ली तो होगा मेरे, हम पूछ रहे हैं उसके, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसे कहेंगे उसके? मेरे कहते ली, आपके हो जाएंगे तो हो जाएगा लका, उसके। इन्होंने सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, कम अखन, आगे क्या लिखा है, कम अखन लहू, तो हम जवाब भी क्या देंगे, लहू सलासतु इख्वतिन। सही। व कम उख्तन लहू, कम उख्तन लहू, उसकी कितनी बहनें हैं? लहू अरबाउ अखवातिन, ऊपर लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, अरबाउ देखो ना लिखा है, ली अरबाउ अखवातिन, वो कह रहा है मेरी चार बहनें, हमने सिर्फ क्या चेंज किया, लहू अरबाउ अखवातिन, उसकी चार बहनें। कम का मतलब होता है कितने, ठीक है, ये कम
कमियत का वर्ड आपने सुना है, कमियत कितना, ठीक है, कम उस माने में होता है। सातवां सवाल क्या है, अस्सवाल सबिअ अइना अखवातुहु, अइना अखवातुहु का माना उसकी बहने कहाँ है, तो इसका क्या जवाब है, अखवातुहु यहुन्ना बिल मदीनतिल मुनव्वरात। ठीक है जी, इतना जवाब इंशाल्लाह काफी हो जाएगा। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक समझ में आ रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, जहां नहीं समझ में आ रहा हो और जो नहीं समझ में आ रहा हो बराए मेहरबानी पॉइंट आउट कर दीजिएगा, बराए मेहरबानी। ठीक है जी, ये हो गया। कुछ चीजें रूल्स हमने पहले पढ़े हुए, जज से ऐसे मौका मिलता रहेगा उन रूल्स को बीच में साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, जैसे अदद मादूद के कुछ रूल्स है वो भी वक्त के साथ इंशाल्लाह तफसीलन आ जाएंगे। अखवात पर तनवीन है, बिल्कुल लहू यानी अरबाउ अखवातिन तनवीन के साथ है। इन्ना हर जगह क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इन्ना की प्रैक्टिस के लिए, तो वो इन्ना की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और आगे आपको इस हिसाब से और भी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपकी जबान पे ये फ्रेज आ जाए इंशाल्लाह। जी, और आपका सिदरा इरफान खुसा को सवाल था जी, क्या सवाल है आपका जी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज असल में आ तो रही है, लेकिन अगर हो सके आप टाइप कर ले, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, कुछ पता नहीं कोई खास आवाज आ रही है। ये फर्स्ट पेज की, सर ये फर्स्ट पेज के एंड में अत्तुल्लाबुन हुम, आपने कहा कि ये असल में होता है अहुम तुल्लाबुन। माजरत, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अगर आप टाइप कर लें तो प्लीज बहुत आसानी हो जाएगी। माजरत, वेरी वेरी सॉरी। बिल मदीनतिल मुनव्वरा, बिल मदीनतिल मुनव्वरा कहते हैं, यहाँ पे पा जो है बिमाना फी है, कोई मसला नहीं जी। ऑनलाइन को भी टाइम का मश देंगे, बिल्कुल, कभी ऑन कैंपस पे मेरा ज्यादा फोकस होगा, कभी ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस होगा, तो इस तरह अल्टरनेट करते रहेंगे। एक ही दिन में दोनों भी हो सके तो दोनों कर लेंगे। आज चूंकि नमाज से पहले रिवीजन ज्यादा किया था तो इसलिए आज ऑन कैंपस वालों को, कल बेचारे यहाँ पे वो बैठे हुए थे, आप लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह जो है दोनों को एड्रेस करेंगे। बिल मदीनती क्यों आया, यानी यहाँ पे मुझे क्यों का वो समझ नहीं आया ना, बा यहाँ पे फी के माने में है तो वो मदीना मुनव्वरा में है, बा हर्फ जर है, इस वजह से अल मदीना हालत जर में हो गया है। अगर आपको यही सवाल, पाकिस्ताना जो है इसके साथ अल लगा भी सकते हैं और अल ना भी लगाएं, दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अल पाकिस्तान भी कह सकते हैं और खाली पाकिस्तान भी कह सकते हैं, दोनों में मुराद जो है वो इस कंट्री की ही रहेगी, तो दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। आपने कहा 4, 5 और 6 का जवाब रिपीट कर दूं, कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं, लहू सलासू, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ली उसने कहा है तो हम उसके बारे में कह देंगे लहू सलासतु इख्वातिन, व कम उख्तन लहू, लहू अरबाउ अखवातिन। इन्ना अगले इसम को नसब करता है जी, इन्ना अपने आगे वाले इसम को नसब करता है। आगे मैंने क्या बताया था, आगे मैंने बताया था कि यहाँ पे जमायर चूंकि उसके बाद आ रही है तो वो आगे प्रैक्टिस कराएंगे कि किस तरह इन्ना के बाद जो है वो जमायर आती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जद्दा, जद्दा अलग है, यहाँ पे जिद्दन इस्तेमाल हुआ है, जिद्दन का माना होता है बहुत, वेरी जी। अत्तुल्लाबु, ये अत्तुल्लाबु नहीं है, अगर देखें अत्तुल्लाबु होता तो तुल्लाब से पहले लाम लगा हुआ होता, ये अलग, हमजा अलग है, आ अलग है, तुल्लाबुन अलग है, ठीक है, और हुम अलग है, तो मैंने कहा ये असल में था आ तुल्लाबुन हुम, इस तरह था, ठीक है जी। मैं السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد عمدۃ الاحکام ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی تھی یاد ہے کسی کو 550 400 حدیثیں 410 تم نے 550 پڑھ لی
किताब निकाह पढ़ रहे थे ना, हदीस नंबर बताएं जो हमने आखिरी पढ़ी थी, वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। किताबु तलाक भी मुकम्मल हो गया था, 330। ठीक है, किताबुल किस्सा शुरू होगा। जम की थी, शिकार हो गया था, लेकिन वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, उसको ले आएंगे दोबारा अपने उस मुताले में इंशाल्लाह। उसको उसमें थट मिलेगा ना, हटाई नहीं है, थट मिलेगा उसको। किताबें हैं सबके पास, आपके पास किताब है, आप लोगों के पास भी है किताबें सबके पास। किताबुल किसास, हदीस नंबर है 330। हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, इसी तरतीब से आगे जाएंगे, जो रह जाएगा पीछे, जो रह गया था उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। किसास जो है इसका जिक्र कुरान करीम में है, यानी बदला लेना। वलकुम फिल किसास हयातुन, अल्लाह ने फरमाया कि इस किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। जिस मुआशरे में किसास का, हुदूदुल्लाह का निफाज हो, उस मुआशरे में हर एक का माल भी महफूज होगा, हर एक की जान भी महफूज होगी, और हर एक की इज्जत भी महफूज होगी। ये अल्लाह के निजाम किसास और हुदूद के अंदर ये पावर है। आप कहते हैं कि हमारी इज्जत महफूज हो, कहते हैं ना सारे, लेकिन जब बात आती किसास की, किसास की बात आती है, भी इसने जो है गलत काम किया, इसको कोड़े लगाएं, ये तो इंसानियत के शरफ के खिलाफ है। फिर चोरियां पहनाएं इसको भाई, माशरे को अगर आप पाकीजा बनाना चाहते हैं, इसमें आता है, बल्कि कुरान में मौजूद है, जो पाक दामना औरत पर तोहमत लगाता है, कितने कोड़े हैं, 80 कोड़े। यहां आप कहते हैं कि नहीं, शरफ इंसानियत के खिलाफ है। जो अपनी अकल को खराब करता है, शरीयत ने कहा आपकी अकल भी कीमती है, नशा करके आप अपनी अकल को खराब करते हैं, शरीयत ने कहा कोड़े मारो, आप कहते हैं शर्फ इंसानियत के खिलाफ है। आपका माल भी कीमती है, चोर ने आपका माल चोरी कर लिया, शरीयत कहती है हाथ काटो, आप कहते हैं शर्फ इंसानियत के खिलाफ है। किसी ने कत्ल कर दिया, शरीयत कहती है इसके साथ इसको कत्ल किया जाए, फिर भी आपका वही जुमला है। आप माल भी महफूज चाहते हैं, इज्जत भी महफूज चाहते हैं, वजूद भी महफूज चाहते हैं, नफ्स भी महफूज चाहते हैं, लेकिन जो शरीयत ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना भी नहीं चाहते। जिस माशरे में ये किसास या हुदूद का निजाम है ना, पुरमन है वो, जैसे हम सऊदी अरब की मिसाल ले सकते हैं, छोटा है या बड़ा है, किसास को पहुंचा है तो बदला लिया जाएगा। पता कि वो वाकया बहुत मशहूर हुआ था, एक शाही खानदान के एक फर्द को कत्ल कर दिया गया था किसासन, हालांकि उन्होंने बहुत भारी रकम की अदायगी की ऑफर की थी। उन्होंने कहा नहीं, तो आप मजबूर नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान में चुप करा देते हैं, पैसे रखो आराम से रख लो, वरना नजर भी नहीं आओगे, तो वो कहते दे दो भाई, बाहर भेज दिया जाता है, सियासी कत्ल। हम कितने कीमती हैं हमें खुद पता नहीं। शरीयत ने एक उंगली, कान, नाक, दांत, आंख, एक एक चीज के बारे में बताया कि किसास है, किसास नहीं तो दियत है। एक उंगली के कितने ऊंट हैं जी, एक उंगली के कितने ऊंट हैं, सब एक उंगली के कितने ऊंट हैं, अगर उंगली काट देता है आपकी, पांच है, पांच, दो उंगली के दस है,
जी उंगली के बदले उंगली, अगर कोई कहता है कि नहीं उंगली नहीं मुझे ऊंट चाहिए तो आप 5 ऊंट देना है, 5 यानी अगर 1,00,000 का भी मरा से मरा ऊंट लगाए ये 5,00,000 की उंगली है, आप अगर कट जाए दुनिया की कोई ताकत लगा सकती है, गिनती है, हमें इसकी कदर नहीं है। जी बराबर है बिल्कुल, 5 उंगली की दियत बराबर है, ऐसा नहीं है कि अंगूठा कीमती ज्यादा ज्यादा इसके मोटे ताजे ऊंट है ये तो छोटी है इसके पतले पतले दे दे, ऐसा नहीं है बराबर है। वो नहीं, ये इख्तियार नहीं ना किसी को कत्ल करने का, वो हाकिम कत्ल करेगा, अदालत करेगी, हाँ जिस गुनाह की वजह से का वो माफ हो जाएगा जी क्यामत वाले दिन। सही ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्यामत वाले दिन उस गुनाह के बारे में दोबारा तफ्तीश नहीं होगी, सजा नहीं होगी जिसका दुनिया के अंदर उसको सजा का मामला आ चुका है। जान काफी है बदले 50 की है, वही 100 आदमियों का कातिल, तोबा कर ली ना उसने, वो तो कत्ल भी नहीं हुआ, माफ कर दिया अल्लाह ताला, उस तोबा से बड़ी तोबा कत्ल होना है, सारे माफ हो जाएंगे। चले हदीस की तरफ आ जाएं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सलम का फरमान है, ला यहिल्लु नहीं है हलाल दमु खून इमराइन मुस्लिमिन मुसलमान मर्द का, इमराउन मर्द को कहते हैं, नहीं है हलाल मुसलमान मर्द का खून, यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जो गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह और मैं अल्लाह का रसूल हूं, इल्ला बि इहदा थलास मगर 3 में से किसी एक वजह से खून हलाल हो जाएगा उसका, अस्सय्यिबु ज़ानी शादीशुदा बदकारी करता है कतल है उसका, गैर शादीशुदा है तो फिर उसको 100 कौड़े लगेंगे और 1 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाएगा, उस इलाके में नहीं रह सकता, वो दाखिला बंद है उसका, और जो शादीशुदा बदकारी करता है उसके लिए शरीयत है कि उसको जमीन में आधा गाड़ा जाएगा और उसके बाद पत्थर मारे जाएंगे उसको, और ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में उसको सजा दी जाए, बल यशहद अदाबहुमा ताइफतु मिनल मोमिनीन मोमिनीन की एक जमात इस मंजर को देख रही हो, सजा को जब मुआशरे में दिखाया जाएगा इबरत तभी पकड़ी जाएगी ना, अंदर कैसे सजा मिली मुझे क्या पता, तो इस वजह से उसका नतीजा भी नहीं आएगा, सरेआम सजा दी जाए, सरेआम जितने लोग उस सजा को देखेंगे कभी तसव्वुर भी नहीं करेंगे वो गुनाह करने का। हमारे यहां जो पार्लियामेंट में बैठे हुए कानूनदान ये वो लोग हैं जो कुरान हदीस का मजाक उड़ाते हैं, और हमारी कुछ मजहबी तंजीमें उनको शौक चढ़ा हुआ सियासत में आने का, सियासत में आ भी जाए ना तो भी इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बुनियाद ही शर है, शर की बुनियाद पर आने वाला वो खैर नहीं दे सकता, उससे खैर नहीं आ सकती, यही वजह है कि जुर्म इतना है कि आप हुकूमत में मिल जाए ना, आपने कोई भी कानून पास करना हो तो पार्लियामेंट में पेश करेंगे, पार्लियामेंट मंजूरी देगी तो कबूल होगा, चाहे वो कुरान का मसला क्यों ना हो, कुरान का मसला क्यों ना हो, पार्लियामेंट के अफराद कबूल मंजूरी देंगे तो नाफिज होगा, करना नहीं। तो आप कह सकते हैं जमहूरियत मुसलमान नहीं है, जमहूरियत मुसलमान नहीं है, बन्नफ्स बिन्नफ्सी जान के बदले जान, जान के बदले जान। अब किसी का कत्ल हुआ है तो फिर उसका भी कत्ल होगा, ये शरीयत का कानून है, इल्ला ये के जो मकतूल के औलिया हैं वरसा रिश्तेदार अगर वो कहते हैं कि नहीं हम माफ करते हैं, किस सांस माफ करते हैं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दियत का, दियत भी माफ करना चाहे तो माफ कर सकते हैं, इनको इख्तियार हासिल है। अकरब को देखा जाएगा,
अकरब बाप है, बाप है बिल्कुल। तो जो कत्ल हुआ है ना वो अपने बाप का कसब है, कसब तो दर्जा उसका ज्यादा है। दियत सौंठ, सौंठ दी उसकी तफसील भी आ गया है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही यही वली, वली वो बाप होता है, बाप ना हो तो फिर ये दूसरी तरफ आती है बात। वत्तारिकुली दीदी ही, अपने दीन को छोड़ने वाला। अल मुफारिक लिल जमा, जमात जो मुसलमानों की जमात है उससे अलहदगी इख्तियार करने वाला, यानी मुर्तद, मुर्तद मजहब ईसाइयत में चला गया, यहूदियत में चला गया, हिंदू में चला गया, इस्लाम को छोड़कर, तो ये भी वाजिबुल कतल है। हदीस में है ना, मन बदला दीनहु फक्तलू, जिसने अपना दीन तब्दील कर दिया उसको कतल कर दो। ये तीन जुर्म है, इसके अलावा भी है जिस पर कतल की सजा है, वो कौन सा है? गुस्ताख रसूल और जी माइक डकैत जी डाकू, डाकू डाकू हाँ, जो जमीन में फसाद, हाँ, फसाद फिल्लर, ठीक है, जमीन में फसाद, उसमें भी इख्तियार है उसको हाकिम को कि वो जिला वतन करना है, सुली पलटकाना है या क्या करना है, इख्तियार है। लेकिन बरल फसाद फिल्लर और जादूगर, जादूगर उक्तलु कुल्ला साहिरन व साहिरा, जादूगर और जादूगरनी को कत्ल कर दो। नहीं क्या नहीं, जी इसके अलावा बहुत सारे वाक्यात हदीस तकरीरी मौजूद है, साहबा ने कत्ल किया, नबी इस्लाम ने उस खून को माफ कर दिया, एक शख्स ने अपनी लौंडी को कत्ल कर दिया, फअहबर दमहु, आपने खून माफ कर दिया उसका, ये क्या है? ये इस बात है इस चीज का जी, फतह मक्का के मौके पर नबी इस्लाम ने कुछ गुस्ताखों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। गुस्ताखी रसूल की थी उन्होंने, कुफार से तो जिहाद है बिल्कुल जी। हाकिम की जिम्मेदारी या कत्ल करना आप नहीं कर सकते, वरना क्या होगा? फसाद फिल्लर, वो उसको सजा दे रहा है, ये लाकानूनियत है, वरना क्या होता है? देखिए हमारे माशरे में ये गुस्ताखी का जो मामला है ना, जिसके जी में आता है गुस्ताख बनाकर चला देते हैं उसको, खतरनाक है, क्योंकि हर एक की गुस्ताखी की इस्तला अलग अलग है। कुछ हमें कहते हैं गुस्ताख या दुरूद को नहीं मानते, अजीब बात है, वरना तो हम तो हत्ते चढ़ गए तो काम हो गया। कुछ कहते हैं कि अगर आपने कहा अबू तालिब काफिर है, गुस्ताख है आप, वाजिबुल कत्ल है, किसको राजी करेंगे आप? इसलिए ये हाकिम की जिम्मेदारी, किसी ने गुस्ताखी की है अदालत में पेश करें, साबित करें, सजा मिल जाती है तो नहीं, सजा मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती आप बड़ी जिम्मा है, जवाब दे वो है जी। तो शेख साहब जो लोग गुस्ताखी रसूल को कत्ल करते हैं जाकर, तो हम तो उन्हें हीरो समझते हैं अपने, हम हीरो समझते हैं हमारे माशरे की। अब देखे ना वो श्रीलंकन जो मामला हुआ था, क्या पता चला था बाद में, तहकीक क्या पता चला? गुस्ताखी नहीं की थी उसने, एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ था, बाद ने कहा लब्बे या रसूल लेकर, उसने वो फाड़ दिया, ये गुस्ताखी हो गई, जुनून है हमारे। अच्छा मुंह में पान होगा, शलवार टखनों से नीचे होगी, दाढ़ी नहीं होगी और कड़े ये पहने हुए होंगे, और फिर इश्क रसूल पर जान कुर्बान है, खुद गुस्ताख है सबसे बड़ा, तूने कौन सी जान कुर्बान करनी है? इसका मतलब जुनूनियत है बस। वो तो गैर मुस्लिम थे ना, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया फौरन गिरफ्त में आने से पहले, माफ हो गया, क्योंकि इस्लाम सारे गुनाह माफ कर देता है। ये अजीब बात है, वो बात ये है, जिम्मी जानते हैं हम किसको कहते हैं? जिम्मी हमारे यहां अकलियती जिसको कहते हैं, गैर मुसलमान जो हमारे रहते हैं। हदीस में आता है कि अगर किसी जिम्मी ने इस्लाम के खिलाफ कोई काम किया या गुस्ताखी है जो भी है, तो उसका जिम्मा खत्म हो जाएगा, जिम्मा खत्म होगा तो गुस्ताखी की वजह से सजा मिलेगी। बाज के नजदीक, बाज मसालिक में जिम्मी अगर गुस्ताखी रसूल करता है तो वाजिबुल कत्ल नहीं है, उसका जिम्मा खत्म नहीं होगा, हालांकि बिल्कुल सही है मामला, उसका जिम्मा खत्म हो गया, वो वाजिबुल कत्ल है, चाहे वो
हमारी रियासत में अकलियत के तौर पर रहता है, हमारे यहाँ क्या होता है, अकलियत को रातों रात पहुंचा दिया जाता है, उसका की साबित होगी रातों रात पहुंचा दिया जाता है। तो शेख साहब जो लोग जैसे अलल ऐलान एक इन्फॉर्म करके कर रहे होते हैं कि हम यहाँ गुस्ताखी करेंगे और वहां पर अगर कोई शख्स उनको मार देता है या कोई अटैक करता है तो क्या वो भी गलत होगा इस मुस्लिम? हमारे यहाँ तो नहीं होता ना ऐसा, नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, ये असल बाहर ममालिक में होता है। जाहिर है ऐसा अगर कोई करता है और वहां कोई मुसलमान ने हकीकत में उसने ऐसा किया और ये काम कर देता है, वहां के कानून के हिसाब से उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन इंदल्ला वो मुजरिम नहीं है, इंदल्ला वो मुजरिम नहीं है। अपना केस मजबूत किया जाए, हम अपने केस मजबूत नहीं करते हैं, बस यही है। कोई गैर मुस्लिम के साथ इस तरह का मामला हो जाए सब चीख पड़ते हैं, और हमारे मामला में ऐसा हो जाए तो सब खामोश होते हैं। बहरहाल इस हदीस के कुछ मसाइल वो नोट करें। जी हाँ, फिलहाल वक्त तो खत्म है, आप उसको भी देखते नहीं है, वो जो फाइल भेजी तो आप सिर्फ ये देखते हैं हाँ ये फाइल आ गई बस। और आपको इतना पता होता है इस फाइल में 2500 मसाइल हैं, 2000 मसाइल हैं या 200 मसाइल हैं, इतना पता होता है आपको, वो कौन से हैं ये तो काजी का काम है। नंबर एक, पहला मसला, शादी शुदा जानी वाजिबुल कत्ल है। नंबर दो, किसी को नाहक कत्ल करने वाला किसासन कत्ल किया जाएगा, किसी को नाहक कत्ल करने वाला किसासन कत्ल किया जाएगा। फर्क है, मुसलमान को अगर किसी काफिर ने मारा है तो काफिर को कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान ने काफिर को मार दिया है तो मुसलमान कत्ल नहीं होगा, वो सजा कुरान में जिक्र है ना, दियत, दियत दी जाएगी। जी क्योंकि अल इस्लाम यालू वला युला अलै, इस्लाम गलबे के लिए आया और मुसलमान की हैसियत यह है कि काफिर के बदले नहीं मारा जाएगा इसको, ये इम्तियाज है इस्लाम का मुसलमान। जी जी बिल्कुल, ये तो कुरान का मसला है ना, तो कुरान का मसला है। नंबर तीन, मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। ये तो हर जमीन है जी, आप हाकिम के इलावत करके देखो, नहीं छोड़ेंगे ना, क्यों भाई, इजहारी इजहारी राय कहाँ है, आप दीन की बात कर रहे हैं, ये तो दुनिया की बात है, किसी का कानून तोड़ के दिखा दें आप जीने नहीं देंगे, और अल्लाह के रसूल का कानून आप तोड़ते रहे। अभी देखें ये सियासी हमारे यहाँ जो अदालत ने हुक्म दिया है, क्या कर दिया उन अरकान को, क्या किया, डिसीट किया, क्यों, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चले थे, बाकी करार देकर डिसीट कर दिया है ना, अल्लाह के रसूल की बगावत हो रही हो तो। यानी दुनिया के उसूल हमारे यहाँ कितने मुसल्लम है, अल्लाह उसके रसिया भी उड़ा दे, ना बागी है ना डिसीड होगा और ना कोई सजा है उसकी, ये दीन की हमारे यहाँ वक्त है। जी किसके, ये जो बातें मैंने बताई है ना, ये तो इस हदीस में आ गए। अच्छा, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं नंबर चार पे, जादूगर भी वाजिबुल कत्ल है। जादूगर नंबर चार, जादूगर वाजिबुल कत्ल है। मुसनद अहमद में है कि तीन सहाबा ने तीन जादूगरों को कत्ल किया था, मुसनद अहमद में तीन जादूगरों के कत्ल का जिक्र है। जी वो आपने किताब तो ही पढ़ी है ना, उसमें बाबू माजा फिस सिहर पढ़ा है, वही पढ़ेंगे ना, उसमें
किस किस साहबी ने किस जो जादूगर को कत्ल किया उसका जिक्र वहां मौजूद है। नंबर पांच, गुस्ताखे रसूल भी वाजिबुल कत्ल है। जी जी जी, वो सारी दलील है उसकी। अगली हदीस, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अव्वलु मा युक्दा, सबसे पहला जो फैसला किया जाएगा, बैनन नास, लोगों के बीच, यौमल कियामा, कियामत के दिन, फिद्दिमा, खून के बारे में होगा। ठीक, एक हदीस में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहला हिसाब किसका होगा, नमाज का, और यहां है खून का, तो तकदीर क्या होगी, हुकूकुल्ला में नमाज, हुकूकुल इबाद में खून। ठीक, हुकूकुल्ला में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला सवाल और मसला खून का हल होगा। जी, दियत बिल्कुल मकतूलीन के घर वालों में तकसीम होगी। जी हाँ, दियत को विरासत के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। जी बिल्कुल, विरासत में शामिल हो जाएगी वो, बीवी का जो हक बनता है बीवी को मिलेगा, बच्चों का जो बनता है बच्चों को मिलेगा, ये विरासत है, यानी विरासत में इसको शामिल करके तकसीम किया जाएगा। अगर वो जाहिर है मासूम था, मासूम इस एतबार से कि उसका कोई जुर्म नहीं था, तो मजलूम है ना, मजलूम को अल्लाह इंसाफ देगा, इंसाफ इस तरह देगा, वो हदीस में पढ़ा ना आपने कि जालिम की नेकियां इसको दे दी जाएंगी, इसके गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। इसलिए अगर वो अच्छा इंसान था और मर गया, उसको मार दिया गया, तो उसके वो अच्छे अमाल जो सदका जारिया के तौर पर थे, सवाब जारी रहेगा। सात काम है ना हदीस में जिक्र हुए, कौन से हैं सात काम, तो आपको आप लोगों को तो पता होगा ना, सुनाए ना, इल्म को सिखाना। जी, इल्म सिखाना, इल्म सिखाना, और दौलत माल से कोई ऐसा नेक काम करना जो चलता रहे। जी, और वो क्या है, मसलन हदीस में आता है, मसलन नहर खुदवा दें, ठीक है, आप पानी का कोई सबील बना दें, आप दरख्त लगा दें, ठीक है, किसी जगह को दरख्त लगा दिया, मस्जिद बना दें आप, नेक औलाद, इल्म, और इसी तरह एक और अहम चीज, मुसहफ, मुसहफ किसी को दे दें आप, यानी आपने कुरान का मुसहफ या कोई हदीस की जो किताबें छपवा दी आपने, तलबा को किताबें मुहैया कर, सर इल्म में नहीं आ जाएगा। जी, इल्म में नहीं आ जाएगा, इल्म का अलग से जिक्र भी है, और ये एक हदीस में ये लफ्ज है, वरसा मुसहफन, मुसहफ का किसी को वारिस बना दिया उसने। शेख साहब, आपसे एक सवाल पूछना था, इससे पहले क्या पूछा था, नहीं मैंने नहीं पूछा। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि लोग जो है ना अपने माल को मसाजिद में लगाने को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, हमारे यहाँ मसाजिद को बहुत ज्यादा मुजयन किया जा रहा होता है, लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप हमारा जो अमाउंट है वो मस्जिद में लगाएं, जबकि हम दूसरी तरफ देख आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि हम जो है जमहूरियत में शामिल ना हो, मैं सिर्फ आपसे अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, तो शेख साहब इतना सब कुछ जो हो रहा है, अगर लोग उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम इसको इस सिस्टम को, यानी इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने दीन को संभाल के बैठे। बस मैं समझ गया था सवाल, अब जवाब यह है, अल्लाह के रसूल ने मदीना की रियासत कायम करने के लिए कौन से झंडे लगाए थे, खुद कायम हुई, खुद कायम हुई, इमाम महदी की खिलाफत का निजाम कायम होगा उसके लिए कोई तहरीक नहीं चलेगी, खुद बखुद इस्लाम में यह निजाम कायम हो जाएगा, और ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है नेक बंदों को जमीन का वारिस बनाएंगे, पहले नेक तो बने, मफाद परस्त है हर कोई। ने कोशिश तो की थी, कोशिश कलमा तौहीद की थी, नेक बना माशरे को ठीक किया है, आपने ये नहीं कहा कि हमने मदीना को रियासत बनाना है। वो जो बैठे बैठे होकर उला और बैठे होकर सानी है, वो तो मदीने के लोग आए थे कि आप मदीना आ जाएं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, यहाँ गैर महफूज हैं। ताइफ का सफर भी आपने इसीलिए किया था कि वहां इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे, तो मकसद तो यही था ना कि जहां महफूज, इसलिए कहते हैं ना कि इस्लाम की दावत है। आप मुझे बताएं कितने साल हो गए हमारी सियासत को, जमात इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, और हत्ता के निजाम खिलाफत की एक तहरीक चल रही है, कितने साल हो गए, क्या हुआ, क्या हुआ,
तो खड़े नहीं होते ना साथ देने, खड़े इसलिए नहीं होते कि आप मुआशरे में लोगों को अकीदा नहीं सिखा रहे। जब अकीदा ठीक हो गया जमीन पर निजाम कायम हो जाएगा। अकीदा खराब है जो ये सियासत में आता है, देखिए ना इस वक्त जो सियासत में आता है सबसे पहले वो अपने अकीदे को बर्बाद करता है। हमने देखा है, हम अपनी बात करते हैं, हमारी जो जमातें हमारी जो हमारे मनज के करीब है मनज पर नहीं करीब है, उनके अंदर भी अकीदे में मैं बताता हूँ, बहुत बड़े मुफ्ती साहब जो कि सियासत में आ गया ना, उनका एक जुमला जो उसने कहा शेख इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह, अकीदा वास्तिया पढ़ी आपने, अकीदा वास्तिया के बारे में जो अल्लाह ताला की अस्मा तौहीद की सबसे बेहतरीन किताब है, क्या जुमला कहते हैं, फजूल किताब है ये वो नजरियात है जो इस जमहूरियत में आने के बाद आप मसलियत पसंदी का मतलब अकीदे पर समझौता, सुन्नत पर समझौता, हर जगह गलत को गलत नहीं कहना, इसलिए कि पब्लिक चाहिए पब्लिक, ये जो नजरिया है ना ये बुसीदा है, हमें कसरत नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीफ किल्लत की है, लेकिन किल्लत जिसमें सालहियत हो, कसरत की मजम्मत की है, और हम कसरत की वजह से अकीदे को छोड़ते हैं, सुन्नत को छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं इसका। सारी जिंदगी भी जमहूरियत का राग लाते रहे ना, ये जमहूरियत कुछ नहीं देगी। ये वो निजाम है जिसको हमारी जमात पे कुफर कहती थी, अब वो इस्लाम का बुरका पहना दिया उसको, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ सियासी मफादात है, अपनी बका की जंग है, इस्लाम की कोई खिदमत नहीं है। वरना जो हमारी मजहबी तहरीकें पार्लियामेंट में बैठी हुई, बताओ इस्लाम की क्या खिदमत की है उन्होंने, उनकी मौजूदगी में ये सारे कानून पास हुए हैं जो गैर इस्लामी है, क्या किया सियासत को छोड़ा, बिल्कुल नहीं, प्यार है, इक्तदार से मोहब्बत हो जाए फिर छोड़ नहीं सकते उसको। जी जी सारी चीजें नहीं है। निजाम मुस्तफा जो अल्लाह के रसूल ने जो तरीकाकार दिया है ना, तरीकाकार से हटकर चलेंगे तो आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ये गलत बात है, ये जहरीला जुमला है। ये अल्लाह के रसूल की दावत की गुस्ताखी भी है, इसलिए कि जिसने भी मदीना में इनकलाब लाया है ये वही लोग हैं जो तैयार हुए थे मक्का में तैयार हुए थे। अल्लाह के रसूल ने 13 साल सिर्फ अकीदे की इस्लाम में लगाए हैं, और आप पहले दिन उठाकर आप खड़ा कर देते हैं उसको जिसको पता ही नहीं होता अकीदे का। इसका मतलब है जब अकीदा राशिख हो गया फिर दुनिया के अंदर परचम आप लहराएंगे, अंतुमुल आलम इन कुंतुम मोमिनीन, पहले अकीदा ठीक करें, अकीदा ही सही नहीं होता। नहीं गलत बात है। आप मुझे बताएं जिहाद किसके लिए है? कुफार के लिए नहीं, लितकून कलिमतुल्लाहि अलउलिया, तौहीद की सरबुलंदी के लिए, ठीक है। हाँ हमारे अब ये सारी जो चीजें हैं ना वो हमारे जाती मफादात के लिए अब इस्तेमाल होती हैं, हमारे जाती मफादात के लिए, वो नहीं है कि लितकून कलिमतुल्लाहि अलउलिया, बातें खत्म है। अब इसके पीछे और क्या मकासिद हो सकते हैं, वगरना वो तो जब अकीदा मजबूत था निकले तो फतेह बनकर आए थे, फतेह के अलावा कुछ नहीं। हमारे यहाँ अरसा दराज से चल रहा कौन सी फतेह है जी, कोई नहीं, नुकसान जरूर हुआ है फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि बुनियाद नहीं है वो, जब वो बुनियाद होगी तो फायदे भी हमारे सामने आएंगे। सवाल आपकी विचार है, हमें पढ़ना नहीं है। शेर साहब एक नुकसान हुआ है, दिन का काम नहीं हुआ जी। शेख साहब आपने अभी बताया कि गुस्ताखे रसूल को जो है वो हुकूमत के वक्त सजा देगी, तो शेख साहब एक वाकया मेरे जहन में छोटा सा आ रहा है कि वो एक सहाबी थे, नाबीना सहाबी थे, जिनकी लौंडी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो करती थी गुस्ताख। हाँ। उन्होंने उनको कत्ल कर दिया था, तो उन्होंने भी तो खुद से उसको कत्ल कर दिया, अपनी लौंडी को कत्ल किया था। किसको किया था? अपनी लौंडी को, अपनी लौंडी को कत्ल किया था। यानी कि अगर हाके में इस्लाम का निजाम मौजूद था, गवाह भी आदल थे, दाई भी आदल है, मुद्दा अली भी आदल है, सब निजाम अदल मौजूद था, तो इसलिए जब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये आपकी गुस्ताखी करती थी, मैं इतनी मोहब्बत करता था उससे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उससे, लेकिन आपकी गुस्ताखी को भूल रही, मैंने बहुत मौका दिया उसको, जब आपने पूरी बात सुनी मजमे आम में आपने फरमाया कि ये सही कह रहा है, खून माफ करता हूं इसका। हाकिम के सामने हुई ना बात, हाकिम की अदालत में हुई ना बात, चूंकि उनको पता था कि ये जो कायदा है गुस्ताखी रसूल का, अल्लाह के रसूल की अदालत में भी आएगा तो यही फैसला होगा।
वो गुस्ताखी समझते थे कि गुस्ताखी किसको, आज को दीन का बुनियादी मसला नहीं है, तहारत के मसाइल पता नहीं, और वो गुस्ताखी रसूल का फतवा देकर कत्ल कर रहा है जिसका अपने इस्तंजा सही तरीके से ना हो। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि एक वो हदीस में मैंने पढ़ा है, पता नहीं वल्लाह आलम ये सही है या गलत, कि वो एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को कत्ल किया जाएगा, ना कत्ल करने वाले को पता होगा और ना कातिल को, मक्तूल को पता होगा कि क्यों मारा और क्यों मारा गया जी। तो जब इसमें और दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद मैं अगर गलत हूँ तो इसमें ये भी है कि दोनों जहन्नुमी है, तो सर जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं जैसे अब ये हमारे यहाँ जो फसाद है इसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनको तो नहीं पता होता उनको क्यों कत्ल किया जा रहा है, बस मुझे ये चीज बहुत वो होती है, मुझे ये पूछना है कि जो उस तरह बेगुनाह मारे जाते हैं किसी बगैर कसूर के और उसमें आपस की उसमें, तो इनका क्या वो है, उनकी नियत पर उठाया जाएगा उनको। सही बस हदीस में मौजूद है ना, युब वाला नियत ही उनकी नियत पर उनको उठाया जाएगा, वो मुजरिम थे या नहीं अल्लाह जानता है ना, अगर वो ठीक थे जुल्मन उनको कत्ल किया गया तो अल्लाह इंसाफ देगा उनको। एक हिस्सा इसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर अगर तो दो, आपने कहा था कि दोनों जहन्नमी है, वो इसलिए कहा था साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल कातिल का जहन्नमी होना तो समझ में आता है, मक्तूल क्यों, आपने फरमाया वो भी कत्ल करना चाहता था, वो ऐसे भी घूम रहा था या वो बाजार जा रहा था, वो भी मारना चाह रहा था लेकिन उसका वार नहीं चल सका, इन्नहु काना हरीसन अला कत्ली साहिबिही। और सर जो ये जो 12 मई को जो यहाँ कराची में हुआ था लोगों को बसों से उतार के मारा गया था, ये तो मासूम ही कहलाएंगे ना, ये मासूम कहलाएंगे ना, हाँ मतलब जुल्मन कत्ल किया गया, जुल्मन कत्ल किया गया जाहिर है। और कोई सवाल, चलो पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा वो जमा है यार, एक ही दिन थोड़ी है हमारे, इंशाल्लाह मुलाकात तो रहेगी ना, ये माइक बंद करने किसका चल रहा है, इसी से शायद इस हदीस के मसाइल लिखे जी 31। इंसानी खून बड़ा मोहतरम है, इंसानी खून बड़ा मोहतरम है, इसलिए क्यामत के दिन सबसे पहला फैसला इसी का होगा, नंबर दो क्यामत वाला दिन हिसाब किताब का दिन है, नंबर तीन क्यामत के दिन हुकूकुल्ला में सबसे पहले नमाज का हिसाब, और हुकूकुल इबाद में खून का हिसाब होगा। नंबर चार इस हदीस की रोशनी में दुनियावी अदालतों के लिए, इस हदीस की रोशनी में दुनियावी अदालतों के लिए एक अहम नसीहत है, कि वो कत्लो गारत के फैसले पहले निपटाएं, ऐसा अजीब निजाम है कि कत्लो गारत के फैसले लटके हुए हैं और सियासत के फैसले रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। एक अखबार में सुर्खी छपी थी कुछ अर्सा पहले, एक शख्स को अदालत ने फैसला दिया कि इस पर कत्ल का झूठा केस था, इज्जत बाइज्जत इसको बरी किया जाए, इससे बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब को बताया
कि ये शख्स 20 साल से जेल में था और कुछ अर्सा पहले जेल में ही फौत हो गया। ये अंदाजा लगाएं, ये निजाम अदल है हमारा, सालों से पड़े हुए हैं, छोटे केसेस हैं, खून के लुटाने वाला कोई नहीं, और अल्लाह ताला की कितनी अहमियत है इसकी, पर निपटा जाएगा इसे। ठीक है जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। नहीं, ये तो फसाद पे लड़ रहा है। अगर किसी ने ऐसा कत्ल किया है जिस कत्ल की वजह से फसाफुल अर्ब हो, तो उसे दियत भी वसूल नहीं की जाएगी। जी जी, ये इश्तियादम क्या, ये तो फैसला कुरान में मौजूद है, जो फसाफुल अर्ब के मर्तकी भी उनको कत्ल किया जाए। बल्कि अदालत ने फैसला दिया था, ये कराची का एक नौजवान किसी ने कत्ल किया था दिन दिहाड़े, उसमें यही कहा था दियत नहीं ली जाएगी क्योंकि इसने फसाद का इर्तकाब किया। हाँ गालिबन वही है। जी शिक्षा, जैसे मर्दों की जमात हो रही है और औरतों तक आवाज नहीं आ रही, तो